ओके, सो लेट्स बिगिन। एंड गाइस, आज आपकी पहली क्लास है। दिस इज योर लाइक दिस इज अ फ्रेश बैच एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट क्लास ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। सो टॉपिक इज गोइंग टू बी ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप अपने करियर में हमेशा यूज करने वाले हैं, चाहे वो आज आप यूज करेंगे या आने वाले 40 सालों में यूज करेंगे। जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी भी वैनिश नहीं हो सकता है मार्केटिंग के अंदर से। ये 100 साल पहले भी था, ये 100 साल बाद भी रहेगा। जितने मर्जी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी आगे बढ़ जाए, लेकिन दिस हैज इट्स ओन प्रेजेंस एंड इट्स ओन वैल्यू। तो ब्रांड कैसे बना जाता है और मार्केटिंग में ब्रांडिंग की क्या वैल्यू है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन टुडेज क्लास। देर इज सम प्रॉब्लम विद द कैमरा, आई विल लॉग इन अगेन। दैट इज ओके रॉली, या ओके, ठीक है। सो आज हम ब्रांडिंग कैसे करते हैं, एक ब्रांड की तरह कैसे परसीव करते हैं, कराते हैं अपने ब्रांड को, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। सो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जितने भी ब्रांड्स आप देखते हो इंटरनेट के ऊपर या कहीं पे भी, तो आप वो जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने एड कॉपीज में ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आप उन्हें एज अ ब्रांड देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट इज इट दैट दे डू इन विद देयर एडवर्टीजमेंट्स। तो वो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को आज आपको समझना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें आज ये समझना है। देखो, आज आपकी ना इट इज अ काइंड ऑफ अ फाउंडेशन क्लास हुई, तो आज हमें ये समझना है कि अगर मुझे एज अ मार्केटर बनना है और मुझे स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी है, तो मैं एज अ मार्केटर सोचना कैसे शुरू करूंगा। व्हेन यू हैव टू क्रिएट स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू थिंक अ लॉट, राइट? आपको एज अ मार्केटर की तरह सोचना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे नहीं मार्केटर की तरह, तो स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे आप मार्केटर बनेंगे, एज अ स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे। और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत डीप क्लास है। आज हम बहुत डीप में जाएंगे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को। आज की क्लास का आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा, जैसे मैंने बताया। तो ध्यान से सुनिएगा मुझे, मैं आज आपको वर्बल ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, आज प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल का कंपेरिजन प्रैक्टिकल का थोड़ा सा कम कम कंपेरिजन होगा। जस्ट ओके ओके, सो प्रैक्टिकल विल बी लिटिल लेस, बट जो मैं आज आपको वर्बल चीजें भी बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें यूज करने से लाखों करोड़ों का नुकसान भी होता है, कंपनीज को यूज ना करने से लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, और यूज करने से फायदा भी होता है। तो ये 100% प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स ही हैं, जिनके बिना कोई स्ट्रैटेजी हमारी बिल्ड नहीं हो सकती है। सो ऐसे नहीं लेना कि वर्बल क्लास चल रही है, दीज आर दोज थिंग्स दैट यू हैव टू यूज व्हेन एवर यू आर डूइंग योर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी विल बी टेकिंग, दैट इज वॉट वी विल बी डूइंग इन टूडेज क्लास। और मैं आज आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लाइक ब्रांडिंग का एक एक इंट्रोडक्शन होगा। मिथ्स हैं बहुत सारे जो शायद आपको अभी एज अ स्टूडेंट जो आप जानते हो या आपने ऑब्जर्व किया है मार्केट में, हो सकता है वो सही है, हो सकता है कि वो गलत है। तो वो सही नॉलेज क्या है, दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू लाइक गिव यू। देन कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर आपको एज अ ब्रांड बनना है तो कुछ तो इंग्रेडिएंट का यूज करना पड़ेगा, राइट? अगर आपको चाय बनानी है तो कुछ तो इंग्रेडिएंट है। तो ऐसे ही अगर हमें ब्रांड बनना है तो कुछ तो इंग्रेडिएंट है। वो इंग्रेडिएंट्स क्या है उसका भी हम बात करेंगे, फिर एक केस स्टडी में आपको दिखाऊंगा। और एक एक बहुत ही एक अच्छी चीज भी आज हम सीखेंगे कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा आज के एक हाईली टारगेटेड एड कॉपी कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे आज हम। आज की क्लास का ड्यूरेशन, वैसे आपकी जो जो वीकेंड की क्लासेस होती हैं उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहता है, लेकिन आज की क्लास को हम 2 आवर्स में खत्म करेंगे, विदाउट ब्रेक चलेंगे, क्योंकि 2 घंटे में टॉपिक हो जाएगा, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। बट अब 2 घंटे के बाद आप इस लेवल पे आ जाओगे कि अगर किसी कंपनी ने आपको अप्रोच किया और ये बोला कि आप डिजिटल मार्केटर हो, एक हमारा एड बना दो, तो अभी मैं आपको एक 7-स्टेप फॉर्मूला दूंगा, 7-स्टेप फॉर्मूला टू क्रिएट हाईली टारगेटेड एड कॉपीज। प्लीज ध्यान से सुनना, हाईली टारगेटेड क्या होता है। हाईली टारगेटेड ये वो एड होते हैं जो अपना मैसेज अपने कस्टमर को 1 सेकंड के अंदर अंदर दे देते हैं, 1 सेकंड के भी अंदर। तो इसमें जस्ट 1 सेकंड, या तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड के अंदर जो एड्स काम करते हैं, मतलब समटाइम्स इट्स 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 लाइक 1/10 of 1 second, लिटरली बता रहा हूं आपको, 1 सेकंड के भी 1/10 हिस्से में अपना मैसेज कैसे अक्रॉस किया जाता है। कुछ हाईली टारगेटेड एड्स ऐसे भी होते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम टू गिव योर योर मैसेज। तो हाईली टारगेटेड एड्स ये होते हैं, कैसे बनाते हैं, 7-स्टेप फॉर्मूला आज मैं आपको दूंगा। तो एक अपना नोट पैड रेडी रखिएगा, एंड आप नोट्स प्लीज लेते रहना है। आपको ये एक हैबिट बना लो कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो एक डायरी वगैरह एक व्हाटएवर रजिस्टर बना लो, उस पे अपने जो अच्छा लग रहा है आपको कि ये मैंने नया सीखा, मुझे ये चीज अच्छी लगी, तो वो आप खुद से नोट्स बनाओ। आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग तो हो रही है, कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन, तो वो आप प्लीज लिखिएगा।
ठीक है, तो प्लीज मेक अ हैबिट ऑफ दिस इंस्टेड, लाइक आपको फिर भी वैसे रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी, बट मेक श्योर करना है कि अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे 10 बार पूछिए, आप चाहे 1000 बार पूछिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। और ये मेरे साथ ही नहीं, कोई भी ट्रेनर ट्रेनिंग आपकी ले रहा है उसके साथ भी ऐसे ही चलना है आपको। इट डजेंट मैटर कितना टाइम लगेगा, वैसे ऑब्वियसली वील मेक श्योर कि आपका टाइम टाइम आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट हो तो होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा भागने की जरूरत नहीं है, राइट? सो मेक श्योर करें, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ट्रायल क्लास ली होगी तो मैं उसमें भी बोलता हूँ, स्पीड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज डायरेक्शन। स्ट्रैटेजी में भी यही होता है, स्पीड जरूरी नहीं है। कई बार कंपनीज की तरफ से प्रेशर आता है कि ये अभी कैंपेन रेडी करना है, कल ही करना है, परसों तक करना है, होता भी है कुछ 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 रियलिटी भी होती है और कुछ अनरियल भी होता है। अगर दिवाली आने वाली है, दिवाली का कैंपेन अगर आपको दिवाली से पहले ही तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो फिर तो आप नहीं नहीं कर सकते हो कि भाई नवंबर में दिवाली है, चलो 31 दिसंबर तक कर लेंगे स्टार्ट, नहीं होता है। कुछ चीजें तो टाइमली होती है, लेकिन इफ इट इज अबाउट योर करियर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्लियर ऑल द डाउट। सो प्लीज आस्क क्वेश्चन, डू नॉट हेजिटेट एनीवेयर। ठीक है, सब रेडी है, एक बार प्लीज बताइए यस नो मे बी। एवरी वन इज रेडी, कैन वी स्टार्ट द क्लास? इशू अकाउंट्स का लगाटो, सब लोग रेडी है कि नहीं है प्लीज एक बार बताएंगे। रॉली आई होप यू आर ओके नाउ, एवरीथिंग इज ओके? यस ओके, ऑल राइट। सलीका, गोविंद, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, ऑल सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब बहुत डीप जाएंगे आज हम, आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ध्यान से सुनिएगा बस मुझे। तो द टॉपिक दैट वी आर डूइंग टुडे इज ब्रांडिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, देखो गाइज एक छोटा सा चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मार्केटिंग में सब कुछ आ जाता है। आप SMS भेज रहे हो किसी को, दैट इज मार्केटिंग, राइट? आपने व्हाट्सएप भेजा, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। आपने एक पेम्पलेट छपवा के न्यूज़पेपर में या वट एवर डिस्ट्रीब्यूट करा दिया ऐसे ही, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग, राइट? बट इज दैट इज कैन बी कॉल दैट ब्रांडिंग एज वेल? यस और नो, सोचो जरा। देखो आज ना आपका सोचने वाली क्लास ज्यादा है, आज आपको बहुत सोचना है ताकि आपके ब्रेन का मोमेंटम क्रिएट हो, और मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा वैसे। ये कोई टेस्ट नहीं है आपका, बट इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस दैट दैट वी आर डूइंग। तो अगर मैंने एक SMS भेजा, ये मार्केटिंग तो जरूर है, लेकिन क्या ये ब्रांडिंग भी है? तो डाउट है कि नहीं है, यस और नो, समझ में आ रहा है ना? मे बी मार्केटिंग मार्केटिंग तो है, लेकिन ब्रांडिंग शायद है शायद नहीं है, या पता नहीं कि है कि नहीं। तो वो आज हम एग्जैक्टली समझेंगे ब्रांडिंग क्या होती है। मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एवरीथिंग एनी कम्युनिकेशन दैट यू आर डूइंग विद योर कस्टमर कैन फॉल इनटू मार्केटिंग, बट ब्रांडिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। जब ब्रांड बनता है तो आपकी कंपनी में ग्रोथ आती है, आपकी कंपनी में सेल्स होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आपके नंबर्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रांडिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर, इस पे भी काम करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब ब्रांड कैसे बनते हैं वो अभी हम देखेंगे। फॉर ब्रांडिंग वी नीड टू फोकस टू रिलेट आवर प्रोडक्ट विद इमोशंस और गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब और इसको और थोड़ा डीप में आज अभी लेके जाएंगे, जो आदेश ने अभी लिखा है ही इज करेक्ट जो इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं आपको और सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस देखो, स्टार्टिंग में अब आगे बढ़ने से पहले कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड कैसे बनाना है, मेरा कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो, आप सब लोग पैसा खर्चा करते हो, चीजें खरीदते हो, मैं भी ऐसे ही, मतलब एवरीबडी इज अ कस्टमर, राइट? हम लोग कुछ कंपनीज को ब्रांड बोलते हैं, कुछ कंपनीज को हम ब्रांड नहीं भी बोलते हैं। हम कई बार लोकल मार्केट से अच्छा सामान, सस्ता सामान भी ले आते हैं, लेकिन हम ब्रांड नहीं बोलते हैं उसको। आपके अकॉर्डिंग ब्रांड को, जिस ब्रांड को आप ब्रांड बोलते हो, क्यों बोलते हो, मुझे वो रीजन बताना, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर आपका जो भी फेवरेट ब्रांड है आप उसको ब्रांड बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, आप मुझे वो पॉइंटर्स बताना, मैं यहाँ पे नोट पैड पे लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जो भी लगता है आपको, जो भी रीजन लगता है ना, वो आप बताओ भी। अब देखो ये प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से है कि हमें ये जानना है कि हमें अगर ब्रांड बनाना है तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, क्या वो इंग्रेडिएंट्स सही है कि गलत है, वो हम देखेंगे। सो हाउ कैन वी क्रिएट अ ब्रांड, ठीक है। ब्रांड में क्या क्या है आप लोग बताइए, आप लोग अपने क्वालिटी, ओके, ड्यू टू क्वालिटी सलीका, ओके, रिलायबिलिटी, वर्ड ऑफ माउथ, ओके। तो पहले तो है कि आप क्वालिटी, प्रोडक्ट होता है उनका, राइट? प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तो आप उसको ब्रांड बोल सकते हो, ठीक है। ड्यू टू क्वालिटी, ओके, सलीका ने लिखा, एंड आदेश, रिलायबिलिटी तो ठीक है, उनकी गुडविल वगैरह बहुत है मार्केट में, या प्लीज रिलायबिलिटी, इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, मार्केट साइज, ओके, सो दे हैव गुड मार्केट साइज, ओके, मेक सेंस। हाँ प्लीज, खड़े हो गए कैसे क्लास लोगे, बैठो बैठो, ठीक है। सो मार्केट साइज, यस, रिलायबिलिटी, वर्ड ऑफ माउथ, ओके, दे हैव वेरी गुड वर्ड ऑफ माउथ, वंडरफुल, ठीक है। पॉपुलैरिटी, ओके, दे आर फेमस, दे आर पॉपुलर, ओके। प्रोडक्ट मार्केटिंग बाय सेलिब्रिटी,
क्वालिटी, ओके एब्सोल्युटली। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, ब्रांड एम्बेसडर्स। तो ब्रांड एम्बेसडर्स भी होते हैं उनके, ठीक है। और क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है उनके पास, तो गुडविल रिलायबिलिटी में आ गया, वो मार्केट साइज में भी आ गया, मतलब ऑब्वियसली। या लिख लेते हैं, चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एज ऑफ द ब्रांड, ठीक है, कितना पुराना ब्रांड है, राइट। विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ओके आदेश, विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। देखो विजिबिलिटी को थोड़ा अगर हम, मतलब एक्सेसिबिलिटी हो गया, दे आर एक्सेसिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मारुति की बात करते हो तो उनके सर्विस सेंटर हर जगह एक्सेसिबल है, राइट। और विजिबिलिटी मतलब कि वो हर जगह अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी हम बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई आपको व्हाटएवर, जैसे लेट्स सपोज आपको पैराशूट ऑयल लेना है तो आप किसी भी दुकान पे जाओगे मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी इज एवरीवेयर, राइट। ओके मेक सेंस, दैट्स अ गुड पॉइंट आदेश। एनीथिंग एल्स और बताइए, कस्टमर रिव्यूज रेटिंग, एब्सोल्युटली रिव्यूज रेटिंग्स दैट मैटर्स, मेक सेंस। और देखो अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्रांड कैसे बनाना है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक ग्रुप डिस्कशन है कि आप लोगों को जो पता है एज अ कस्टमर, हमें ना मिलके ब्रांड बनाना है तो हमें पहले इंग्रेडिएंट समझने हैं। अच्छा अगर चाय बनानी है तो क्या क्या पड़ेगा चाय में, अभी तो सबको पता है, लेकिन ब्रांड बनाना है तो वो क्या क्या चीजें चाहिए वो हम बात कर रहे हैं। जो दिमाग में आता है वो चीज बताओ, जो लगता है, सही गलत का मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ जानना है। और अभी आप देखना आप लोगों के माइंड में शायद चार पांच ऐसे पॉइंटर्स आके, पांच दस आके रुक जाएंगे, लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन करोगे ना तो कोई एक पॉइंट बताएगा, उसमें से एक पॉइंट आपको दूसरा पॉइंट निकल के आ जाएगा, ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बता रहे हैं, हाँ ठीक है आदेश। साइकोलॉजिकल यूटिलिटी, ओके इसको और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, साइकोलॉजिकल यूटिलिटी मतलब कस्टमर की साइकोलॉजी को जानना, राइट। इसको हम बोलते हैं टारगेट ऑडियंस, जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारा कस्टमर है, जो हमसे खरीदेगा, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके बिहेवियर पैटर्न को ट्रैक करना, तभी मार्केटिंग होती है। इसको टारगेट ऑडियंस बोलते हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, बट आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो ठीक है ये भी कंपनीज करती है, मेक सेंस। आर्यन, ओके अट्रैक्टिव नेम, इजी टू प्रोनाउंस, ओके अट्रैक्टिव नेम, ठीक है। तो नेम, नेम के साथ साथ लोगो भी होता है, मेक सेंस, ठीक है। इजी टू प्रोनाउंस, आसान नाम है, नेम लोगो टैगलाइंस भी होती हैं। और कुछ, बनती रहती हैं, चेंज चेंज भी हो जाती हैं टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन, एक दो साल किसी कंपनी की टैगलाइन कुछ होती है, फिर वो कुछ नया कैंपेन भी चलाते हैं, विच इज ओके या, बट एक्चुअली वो टैगलाइंस आपको याद रखती है, मतलब आपको याद रहती है ना कई बार, जैसे नाइकी की बात करेंगे तो जस्ट डू इट, दिस इज देयर टैगलाइन। हाँ अभी जैसे फाइव स्टार वालों ने भाई बड़ा छाया डर निकाला कि कुछ मत करो, मतलब ऐसे आप डिग्री ले लो कुछ कुछ ना करने में, व्हाटएवर। कोलैबोरेशंस, हाउ लॉन्ग द कंपनी इज सर्विंग, ओके एज ऑफ द ब्रांड में आ गया ये। कोलैबोरेशन विद सुपरस्टार्स, ये हमने ब्रांड एम्बेसडर्स लिख लिया यहाँ पे, यहाँ मेक सेंस, ओके। एनीथिंग एल्स, और कुछ, बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप छोटी छोटी चीजें सीखोगे, कम अगर हमने आधा घंटा कर लिया, कम से कम 50 पॉइंट है, अगर हम करते ही रहे यही करते रहे, क्लास व्लास छोड़ के यही कर लेंगे तो 50 पॉइंट तो होंगे कम से कम, बट वी हैव टू लर्न समथिंग। हाँ और सोचो लेकिन थोड़ा सा, ऑफर्स बेनिफिट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट इशू, तो दे हैव गुड ऑफर्स, डील्स होती हैं उनकी। देखो आप अमेज़न की साइट पे जाते हो, आप मिंत्रा की साइट पे जाते हो, क्या क्या होता है वहां पे सोचो जरा। यूनिकनेस इन प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सलीका, ओके। यूनिकनेस इन प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ओके देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, यूनिकनेस शुड बी देयर, इसे बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, समथिंग यूनिक जो दूसरे ब्रांड के पास नहीं है। और मे बी जैसे उन्होंने बोला यूनिकनेस इन प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, देखो प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग इन इन मार्केटिंग, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वही तो करेगा ना मैटर। प्रोडक्ट तो सेम है, मे बी एक शैम्पू एक कंपनी सेल कर रही है, दूसरा शैम्पू दूसरी कंपनी कर रही है सेल, लेकिन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग दैट, दैट इज वॉट डिफाइन योर ब्रांड। तो यूएसपी इज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट हो गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में सब कुछ आ जाएगा, पैकेजिंग भी आ जाएगी आपकी, एवरीथिंग, एंटायर मार्केटिंग, राइट, समझ में आ रहा है ना। अब देखो एक एक पॉइंट बढ़ रहा है आगे, अट्रैक्शन इन पैकेजिंग, यस तो ठीक है लिख देते हैं पैकेजिंग, गुड गुड पैकेजिंग, प्रेजेंटेबल, ओके।
और क्या पोस्ट सेल्स सपोर्ट आदेश, एब्सोल्यूटली करेक्ट। देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन याद आ रहे हैं हमें। कस्टमर सर्विस, इसमें प्री सेल्स पोस्ट सेल्स सब आ जाएगा, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन, ओके रॉली, स्टैंडर्डाइजेशन को हम बोल सकते हैं प्रोसेसेस, एसओपीज जिसे हम कंपनीज में बोलते हैं। प्रोसेसेस मतलब सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, ऐसे एसओपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देर हैज टू बी अ प्रोसेस। देखो अगर जैसे लेट सपोज अगर आप मैकडॉनल्ड्स में अगर आप जा रहे हो, उनका ना पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड है, उनका सब कुछ डिफाइन है कि मैक्सिमम इतने कस्टमर आप आ सकते हैं दिन में, इतनी इन्वेंट्री या इतना हमें फूड बर्गर्स फ्रेंच फ्राइज की इतनी क्वांटिटी रखनी है, दिस इज ऑल प्रोसेस। तो उनको ये भी पता होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप जनरली देखोगे ना, इतना तक लाइक सारा प्रोसेस है कि आपकी बर्गर वाली मशीन जो जो वहाँ काउंटर पे इंडिविजुअल होता है उसके राइट हैंड साइड पे बर्गर वाली मशीन होती है, उसी के साइड में कोक वाली मशीन होती है। जो ऑर्डर ज्यादा नहीं दिए जाते हैं वो बिल्कुल बैक ऑफ द किचन होते हैं, जो बिल्कुल जल्दी जल्दी प्रोसेस होने वाले होते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं ताकि टाइम कम लगे। तो आपके प्रोसेस आपकी वेबसाइट में भी होना चाहिए। आप अगर ई कॉमर्स की पूरी मार्केटिंग बना रहे हो तो उसमें पूरा प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस कैन बी योर स्ट्रेटजीज एज वेल, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोली। या सेल ऑफ अ कंपनी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर, ओके, थ्रू आउट द ईयर। तो क्या क्या बोलेंगे इसको, मे बी सेल्स, सेल्स या रेवेन्यू बोल सकते हो आप, कंपनी का लाइक यू नो कितना कितना टर्नओवर रहा है, जैसे ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो सम पीपल कैन कैन से कि अगर अच्छा ही ब्रांड है तो इसका टर्नओवर कितना है, तो आप ये भी दिमाग में आता है, ठीक है, मेक सेंस। और कुछ, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, यस एब्सोल्यूटली ट्रेडमार्क्स, ठीक है, मेक सेंस। और कुछ, ब्रांड बनाना है हमको। देखो 20 पॉइंट आर फेयर इनफ, 20-25 पॉइंट फेयर इनफ है, लेकिन और भी करेंगे तो आई एम टेलिंग यू छोटी 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 बहुत सारी चीजें। हाउ गुड कंपनी थिंक्स फॉर द एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट एज इन इसको हम बोल सकते हैं कि वो मतलब लोगों के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, मतलब एनवायरमेंट को इसको हम बोलते हैं CSR, है ना, कस्टमर लाइक जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एनवायरमेंट को लेके, एनजीओ वगैरह कंपनीज खोलती हैं, CSR करती हैं, समथिंग गुड फॉर द लाइक सोसाइटी, तो ये भी कंपनीज करती हैं बिल्कुल। और कुछ, हाइजीन सेफ्टी सिक्योरिटी स्टेप्स कंपनी टेक्स, एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो दिस विल कम इन प्रोसेस SOP। एड्स ऑन सोशल मीडिया, ये पूरा मार्केटिंग में आ गया, मेक सेंस इशू, ठीक है, गुड पॉइंट्स, मतलब जो जो आप बता रहे हो दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। और कुछ, रिपीट कस्टमर्स, ओके, ये टारगेट ऑडियंस में आ गया, तो टारगेट ऑडियंस है वही रिपीट होगा, मेक सेंस, ठीक है। कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का मतलब ये होता है। और कुछ, और कोई पॉइंट, शोइंग मोर आर ब्रांड इन ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग में आ गया कि आप शोकेस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवेयर। और कुछ, बहुत सारी चीजें हैं देखो, वैसे तो ट्रेंड्स हैं, इनोवेशन है, रिसर्च है, बहुत सारी चीजें, विजन मिशन पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन अब लेट्स कट दिस शॉर्ट। अब हम वो सीखते हैं जो हमें सीखना है, टाइम लाइन, टारगेट्स, यस एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। अब उस पे आते हैं जो हमें सीखना है, ब्रांड बनाना है ना हमें, क्या इन सारे पॉइंट से ब्रांड बन जाएगा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड ऑल, यस चलो लिख लेते हैं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग इनोवेशंस इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, और क्या क्या होता है, इनोवेशन है, इम्प्रूवमेंट्स है, ट्रेंड्स है, रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है, बहुत सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, ठीक है। चलो अभी 24 पे रुक जाते हैं, लेकिन अब कुछ और थोड़ा सा और डीप में चलते हैं गाइज। अगर किसी कंपनी को ब्रांड बनना है, अब सोचो आपने एक नई कंपनी स्टार्ट करी, घर से अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया आपने, आप घर से स्टार्ट कर रहे हो, अभी तो आप ब्रांड नहीं हो। अब मैं क्या करूं ऐसा कि आने वाले कुछ टाइम में मैं ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रांड बनूं, तो मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मैं ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाऊं। एक बार जरा देखें इन पॉइंट्स को, अब इवेल्युएट करते हैं, क्या ये ब्रांड मुझे 2-4-6 महीने में भी हेल्प करेंगे, क्या ये पॉइंट्स मुझे ब्रांड बना देंगे, मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी है, लेकिन क्या अभी लोगों को पता है, नहीं पता, राइट। तो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहे कितनी क्वालिटी हो वो लोगों तक पहुंचने में टाइम लगेगा, इट विल टेक इट्स टाइम। वही बात है कि अगर मैं एक सरोजनी नगर मार्केट से एक बहुत अच्छी चीज भी ले आऊं, क्वालिटी भी उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी निकल गई, तो लेकिन मैं उसको ब्रांड तो नहीं नहीं बोल रहा, इट टेक्स टाइम, इट इज इट शुड भी डेफिनेटली देयर। मैं ये नहीं कह रहा हूं इनमें से कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको आना चाहिए ब्रांड बनाना कैसे है, कौन से इंग्रेडिएंट का यूज कब होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक नाउ।
गुडविल रिलायबिलिटी मेरी मार्केट में नहीं है, मैं तो मैं नई नई कंपनी स्टार्ट करी है तो गुडविल तो इट विल टेक सम टाइम। अगेन मार्केट साइज कुछ नहीं है मेरा, वर्ड ऑफ माउथ मेरा कोई नहीं कर रहा है, मेरा खुद ही मुंह है, मैं खुद ही वर्ड ऑफ माउथ करे जा रहा हूँ। वैसे दिस वर्ड ऑफ द माउथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन एवर बिल्ड। वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी वर्ड ऑफ माउथ है, ठीक है। फेमस मैं अभी नहीं हूँ, ब्रांड एम्बेसडर तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, एज ऑफ द ब्रांड मेरी कुछ नहीं है, अवेलेबिलिटी मेरी लिमिटेड है, मैं अपनी ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ लेकिन मैं लिमिटेड उसकी डिलीवरी वगैरह कर सकता हूँ क्योंकि स्टॉक्स भी लिमिटेड है मेरे पास में। रिव्यूज रेटिंग मेरी नहीं है, अगर 40, 50, 100, 500 रिव्यूज आ भी गए तो यू डू नॉट बिकम अ ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज। रिव्यूज के बेसिस पे सेल्स होती है। अगर आपको कुछ चाहिए आप अपने घर के पास डालते हो नियर मी करके, आप देखते हो उसके रिव्यूज होते हैं ठीक ठाक ही होगा, आप चले जाते हो कुछ भी सामान वामान लेने, ऐसे ही होता है, दैट्स उससे सेल्स होती है। ब्रांडिंग इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स ये होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस के बारे में आप बिल्कुल सोचोगे, बिना टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचे तो कुछ होगा ही नहीं, मार्केटिंग ही नहीं होगी, फिर तो रॉन्ग टारगेटिंग हो जाएगी, गलत ऑडियंस को ऐड दिखाओगे पैसा खर्चा होगा। नेम एंड लोगो एंड टैगलाइन ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कस्टमर टू कस्टमर। कई नाम आपको पसंद होंगे, कई नाम आपको पसंद होंगे, कोई नाम आपको खराब लगेंगे, कई नाम आपको खराब लगेंगे, कोई आपको लगे पता नहीं कैसा ही नाम है। लेकिन अब ये चीज सोचो, देखो जो ब्रांड के नाम होते हैं ना वो अजीब ही होते हैं, सारे ब्रांड के नाम अजीब ही हैं, जोमैटो जोमाटो या जोमैटो, पहले तुम ये क्लैरिटी ले लो, है ना, कि गूगल ऊबर ओला ये सब अजीब अजीब से नाम है ना, कोई अपने बच्चे का नाम तो नहीं ऐसे रखेगा ना, गूगल कुमार, समझ रहे हो आप, ओला सिंह, तो ऐसे नाम आप अपने नहीं रखोगे, लेकिन ब्रांड्स के नाम अजीब लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनको यूज करना स्टार्ट करते हो वो आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हैं तो वो आपको अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हेन देन यू लाइक देन पीपल स्टार्ट टू लाइक योर नेम, क्योंकि वो एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर चुका है, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, ऑफर डील्स मैं दे रहा हूँ लेकिन ऑफर से सिर्फ सेल होती है, ब्रांडिंग नहीं होती है। मतलब आपको कुछ सेल बढ़ानी है तो आप ऑफर वगैरह दोगे, और डील का ही जमाना है पूरी दुनिया में, तो पीपल आर लुकिंग फॉर डील्स, बट ब्रांडिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यूएसपी आपकी होनी चाहिए, यू शुड हैव समथिंग यूनिक जिसके बेसिस पे आप मार्केटिंग करोगे, उस बेसिस के ऊपर आपको कस्टमर्स ब्रांड की तरह देखना स्टार्ट करेंगे। ये अभी सीखेंगे अभी हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, बट कैसी प्रेजेंटेशन करनी वो भी बात करेंगे। गुड पैकेजिंग अगेन इट विल एड अप टू द टू लाइक अ क्लीनलीनेस ऑफ योर ब्रांड और इमेज ऑफ योर ब्रांड, बट नॉट एग्जैक्टली आप ब्रांड नहीं बनोगे मतलब इसके बेसिस पे। पैकेजिंग तो हो सकती है कि कस्टमर फाड़ के फेंक देगा, बट स्टिल मैटर्स, बट खाली इसके बेसिस पे ब्रांड नहीं नहीं बनोगे आप। कस्टमर सर्विस प्री पोस्ट सेल्स ये तो बाई डिफॉल्ट है, सबको ही देनी है, कोई भी है, कोई आप ग्रोसरी की शॉप भी है जहाँ से आप अपना राशन लेते हो महीने का, तो वो भी आपको कस्टमर सर्विस करता है, दिस इज वेरी डिफॉल्ट प्रोसेस। SOP मैंने बना लिया, बट वो मेरी वो इंटरनल होता है कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, इट हैज नथिंग टू डू विद द कस्टमर। जैसे मैंने मैकडोनल्ड वाला आपको एग्जांपल दिया, तो ऐसा थोड़ी कि मैकडोनल्ड वाले आपको एक्सप्लेन करते हैं पता है ये हमारा बर्गर यहाँ रखा हुआ है क्योंकि इसमें खाली खाली नैनो 20 सेकंड व्हाटएवर 0.220 सेकंड्स लगते हैं, नहीं नहीं आपको बताते ना, दैट इज देयर इंटरनल फॉर देयर इंटरनल ट्रेनिंग। सेल्स रेवेन्यू टर्नओवर, देखो ये एक ऐसी चीज है कि ऑब्वियसली जितना बड़ा रेवेन्यू होगा कंपनी का उतनी वो बड़ी कंपनी है, इसके लिए बिजनेसेस काम करते हैं प्रॉफिट्स के लिए, बट ये जरूरी नहीं है कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ होगा तो ही आप ब्रांड बनोगे। अभी जब मैं बताऊंगा आपको आप ब्रांड कैसे बनते हो तो आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिफर हो जाएगा। इट डजेंट मैटर 2 करोड़ का रेवेन्यू है या 20 लाख का है या 500 करोड़ का है व्हाटएवर, बट आप ब्रांड कैसे बनते हो ये भी हम सीखेंगे। ट्रेडमार्क आपको लेना जरूरी है, बट ट्रेडमार्क की वजह से भी आपको लोग ब्रांड नहीं बोलते, ट्रेडमार्क लेने के लिए तो कोई भी ले लेगा, ठीक है। मैंने आज एक कोई नया नाम रजिस्टर किया, मैंने उसका ट्रेडमार्क डाल दिया, लोगों को पता ही नहीं है वो नाम है भी नहीं है, तो वो ब्रांड नहीं बनेगा, ट्रेडमार्क जरूर हो गया कि कोई और यूज नहीं कर सकता। CSR मैं पहले खुद का बिजनेस तो थोड़ा रन कर लूँ, अभी तो मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। ट्रेनिंग मैं मतलब मेरे साथ एक दो लोग अगर हैं भी, मैंने कर दी ट्रेनिंग उनकी, बट वो अगेन इंटरनल है। इनोवेशन तो अभी तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरे हिसाब से इनोवेटिव है अभी के हिसाब से, मार्केट रिसर्च जितनी कर सकता था कर ली मैंने, बट इसके बेसिस में मुझे ब्रांड नहीं बोलेंगे, तो ये हुआ क्या। 24 पॉइंट्स जो भी हमने जॉट डाउन किए, अब इनके बेसिस पे क्या हम ब्रांड नहीं बनेंगे तो हम ब्रांड बनेंगे कैसे, क्या करें हम। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो व्हेन एंड वेयर टू यूज व्हाट इंग्रेडिएंट। पेड़ लगाना है तो सीड से शुरू करना पड़ेगा ना, सीड कहाँ है ब्रांडिंग का, वो तना वना वो तो बाद में आएगा ना, फ्रूट्स लीव्स स्टेम इट विल कम लाइक आफ्टर सम टाइम। ऐसे ही इनका भी अलग अलग टाइम पे रोल है हर चीज का, ब्रांड कैसे बने। लेकिन अब ब्रांड
कैसे बनते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं। एक एक्सरसाइज करिए अभी हमने, एक और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? ऑनलाइन पीपल ध्यान से सुनेगा, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ब्रांड कहां से बना जाता है, कैसे बना जाता है। आप लोगों को मैं एक प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा, एक प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा, आपको उस प्रोडक्ट को सुन के जो ब्रांड याद आए या ब्रांड्स याद आए, सबका नाम बताना, जितने नाम याद आए आप टाइप कर देना, ठीक है? स्टार्ट करें। तो प्रोडक्ट का नाम है शूज, नाइकी, ओके, नाइका, ओके, रीबॉक, ओके, ऑनलाइन पीपल समझ में आया? एसिक्स, ओके, ओके, डिकैथलॉन, कैंपस, ओके। मैंने शूज बोला, आपको कोई कोई ब्रांड याद आ रहा है? शूज कोई दिमाग में आता है आपको कि मेरे को शूज लेने हैं? तो ब्रांड्स याद आते होंगे ना दिमाग में, स्पार्क्स, स्केचर्स, ओके, बाटा, करेक्ट, अंडर आर्मर, ओके, लिबर्टी, रिबॉक, ओके, लॉट ऑफ लाइक लॉट ऑफ ब्रांड नेम्स आर देयर, राइट? पूमा, ओके, ठीक है, वुडलैंड, आराम आराम से टाइप करो, जल्दीबाजी थोड़ी। न्यू बैलेंस, ओके, ठीक है, स्केचर्स, काफी सारे नाम है, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं सिचुएशन को। अगर नहीं पता तो नो आइडिया लिख देना, या नो आइडिया बोल देना, आपको नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है? पर गूगल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, जस्ट अ रेगुलर डिस्कशन दैट वी आर डूइंग। तो ब्रांड नेम बताना आप लोग, सर्विस इंडस्ट्री पे आ रहा हूं, चार्टेड अकाउंटेंट ब्रांड नेम, कुछ स्ट्राइक हुआ दिमाग में? चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए ब्रांड नेम, गूगल मत करना, ऐसे ही बता दो, नहीं पता तो नो आइडिया लिख दो, नहीं पता तो इट्स ओके। चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए ब्रांड नेम, चार्टेड अकाउंटेंट है ना मार्केट में, बहुत सारे हैं, नो आइडिया, सीएज, हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट मतलब कोई जो ब्रांड नेम हो, नो आइडिया। तो ज्यादातर फिनफिक्स, ओके, चलो वन, ठीक है, मान लेते हैं, ओके। कोई नाम दिमाग में आया आपके कि अगर आपको ऐसा कोई चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए जिससे अपनी व्हाटएवर अपनी अकाउंटेंसी करानी है, तो कोई ऐसा ब्रांड नेम याद आ रहा है मार्केट में, है बट कम है। देखो, अब छोटी सी बात समझना, अभी जो ही हमने एक्सरसाइज करी, इसमें दो चीजें हुई, मैंने बोला प्रोडक्ट शूज, तो आपने बहुत सारे नाम बता दिए, मैंने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप एक आधा नाम आया शायद फिनफिक्स वगैरह, बट इट्स अ प्रोफेशन, नॉट अ नॉट अ प्रोडक्ट, बट या बट देर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? अगर मैं बोलता हूँ डॉक्टर, तो क्या आपको कोई कोई ब्रांड नेम आ रहा है दिमाग में? मैं बोलता हूँ सिंगर, संगीतकार, सिंगर, सीरीज, और कुछ कोई ऐसे नाम आ रहे हैं दिमाग में? सिंगर, सिंगर, ये तो कंपनी होगी। अगर मैं बोलता हूं किसी अच्छे से सिंगर का नाम बताओ, तो है कि नहीं दिमाग में नाम? कौन है बताओ? श्रेया घोषाल, ठीक है, हाँ, अजीत सिंह, अरिजीत सिंह, अजीत सिंह, अरिजीत सिंह, हाँ, ओके, काफी सारे हैं ना। लेकिन अगर मैंने सीए बोला, तो सीए के नाम पे तो दिमाग में नहीं आया। लिसन टू द डिफरेंस हियर, दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न नाउ, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। हाँ, मतलब काफी 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 सारे हैं, शुभ, एपी ढिल्लों, सब अपने अपने तरीके से बताएंगे, जो जैसा म्यूजिक सुनता है उस कैटेगरी का बताएगा, किसी को रैप सुनना है, किसी को हिप हॉप सुनना है, कोई बहुत ही क्लासिकल सुनता है, तो सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे। वी कैन फाइंड ऑन ऑन लिंक्डइन, आप देखो ढूंढ तो लोगे, लेकिन जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्रांड कैसे बनना है वो चीज बता रहा हूँ आपको मैं, ढूंढ तो हम गूगल पे भी लेंगे, मिल ही जाएगा। इसको इसको समझते हैं। देखो, मैंने बोला शूज, बहुत सारे नाम दिमाग में स्ट्राइक हो गए, मैंने बोला सीए तो ब्रेक लग गया, मैंने बोला सिंगर तो आ गए नाम भी। सुनो अब क्या है, जब मैंने शूज बोला, जितने भी ब्रांड्स के नाम आपने लिए, ये सारे मार्केटर्स हैं, यस और नो? सारे के सारे मार्केटर्स हैं, इनके एड्स आप देखते रहते हो थोड़ी 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 देर में, कहीं ना कहीं आपको दिखते ही रहते हैं, होर्डिंग्स पे, जर्सीज पे, मैचेस के बीच में, एनीवेयर, और सम और दी अदर वेयर आप उनके लोगोस देखते रहते हो, तो आपको याद रहते हैं वो नाम। सीए इज बहुत अच्छा सीए हो सकता है कोई, लेकिन जो इतना अच्छा सीए है वो मार्केटर नहीं है, मे बी उसकी जो प्रैक्टिस चल रही है वो नॉर्मली जैसे प्रैक्टिस चल रही है कि मतलब वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है, किसी ने एक रेफरेंसेस दे दिया, तो ये ज्यादातर लोग, ये लोग मार्केटर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनके नाम मे बी आपको याद रहेंगे। अगर मैं बोलूँ सीए रचना रनाडे, तो कितने लोग को कोई ये नाम मालूम है आज के टाइम पे? सीए रचना रनाडे, आपने उनकी बहुत सारी रील्स देखी होंगी, अभी गूगल करोगे तो शक्ल देखोगे तो आ जाएगा नाम आपको, मतलब याद आ जाएगा कि मैंने इनकी रील्स देखी है। तो पॉइंट इज दिस कि जो मार्केटिंग करता है, जो बार बार मार्केटिंग करता रहता है, उसका नाम याद रहता है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट द प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट क्वालिटी, लिसन टू दिस। अगर प्रोडक्ट आपका आपका प्रोडक्ट एवरेज से थोड़ा ऊपर है और मार्केटिंग जबरदस्त है, आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा मार्केट में,
आपका प्रोडक्ट बहुत टॉप क्वालिटी का है और मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है, तो वो वंडर्स करेगा मार्केट में। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट की अगर प्रोडक्ट ही जीरो है, आप मार्केटिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लो तो वो चलेगा नहीं। ये कॉम्बिनेशन आपको समझना है। ब्रांड बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केटिंग ही नहीं है तो भी चलेगा नहीं, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है। फिर समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखो ब्रांड बनता कैसे है, अब ध्यान से सुनना। आपके पास 20 कस्टमर आए पहले मंथ में, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, वही वही अभी कैलकुलेशन लेके चल रहे ना। आपके पास 20 कस्टमर आए फ्रेश फ्रेश मंथ में, आपने कुछ 10-15-20 हज़ार रुपए के ऐड रन किए, 15-20 कस्टमर मिल गए। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो 20 कस्टमर मेरे से खरीद के गए हैं, नियर फ्यूचर में जब इनको मेरे प्रोडक्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट आएगी, तो इनके दिमाग में मेरा नाम स्ट्राइक करना चाहिए सबसे पहले। अगर ये आपने पहले कस्टमर से कर दिया, तो आप यहां से ब्रांड बनना स्टार्ट हो गया। दिस इज द सीड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक भी कस्टमर आया है, उसको दोबारा से नियर फ्यूचर में 3-4-5-6 महीने के ड्यूरेशन में उसको दोबारा से आपके जैसे प्रोडक्ट की सर्विस की रिक्वायरमेंट आती है, तो क्या उसके दिमाग में आपका नाम स्ट्राइक कर रहा है? अगर यस, देन यू हैव स्टार्टेड टू बिकम अ ब्रांड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू लर्न टू डू। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कुछ सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है सबको? प्लीज लेट मी नो, यस और नो। सब लोग प्लीज एक बार बताएंगे। यू हैव द रिएक्शन बटन एज वेल, प्लीज यू कैन क्लिक इट एंड टाइप और टाइप यस इन द चैट बॉक्स। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? ठीक है। सो योर ब्रांड इज वॉट? योर ब्रांड आर दीज टू वर्ड्स, रिकॉल वैल्यू। प्लीज इसको नहीं भूलना, जिंदगी में मत भूलना कभी इसको। रिपीटिशन इज इंपॉर्टेंट, येस एब्सोल्यूटली करेक्ट, रिपीटिशन बहुत जरूरी है। रिकॉल वैल्यू पे ध्यान देना है आपको, आपकी रिकॉल कितनी अच्छी है। रिकॉल मतलब कितनी जल्दी आपका नाम याद आ रहा है कस्टमर को, लेकिन पॉजिटिव रीजंस की वजह से आना चाहिए, नेगेटिव रीजंस की वजह से नहीं। एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ कैसे आप अपने प्रोफेशन को रिकॉल करवा सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हो, आप लॉयर हो, कोई कोई डॉक्टर है, उसे चाहिए कि मेरे पेशेंट्स मुझको याद रखें। व्हाट्सएप के ऊपर एक एक पोस्ट बना के वीकली भेजो, वीकली, और वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए कस्टमर के लिए, ऐसा ना हो कि वो आपको ब्लॉक कर दे। मैंने बोला वैल्यू, समझ में आ रहा है? तो अगर आप एक पोस्ट बनाकर डाल रहे हो वैल्यूएबल, अगर कि कोई 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 डॉक्टर है लेट सपोज, अब ये थोड़ा स्ट्रेटेजिकल चीज होती है ना, लोग पूछते हैं कि कैसे मार्केटिंग करें, कैसे ब्रांडिंग करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कस्टमर बिहेवियर समझना है आपको। अगर मैंने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिया, ग्रुप ग्रुप नहीं, एक ब्रॉडकास्ट बना ली मैंने, ठीक है, अब मैं उनको वीकली एक मैसेज भेजता हूँ, वो वीडियो भी हो सकता है, इट कैन बी अ यूट्यूब लिंक एज वेल, इट कैन बी अ पोस्ट एज वेल, बट मैं उसमें वैल्यूएबल चीज बता रहा हूँ जो उनके मतलब की है, वो आपको फॉलो भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। समझ आ रहा है ना आपको? अब अगर डॉक्टर है वो आपको वैल्यूएबल टिप्स दे रहा है कि खाने में ये चेंजेस मतलब कीजिए, अगर 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 पॉल्यूशन चल रहा है तो पॉल्यूशन पे ये कीजिए, दिस इज व्हाट आई विल लाइक सजेस्ट यू। वो आपको एक छोटा सा 4-5, 2-4 मिनट का वीडियो बना के दे रहा है कि लाइक टू टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीजेज, प्लीज ये चीजों का ध्यान रखिए, अपने घर में ही होम होम रेमेडीज है। तो इससे उसकी ब्रांडिंग भी हो रही है और इससे उसका रिकॉल भी जनरेट हो रहा है। लेकिन ब्रांडिंग अभी और टॉप लेवल पे है, यहां से स्टार्ट होती है। अभी ब्रांडिंग एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज एक बार बताएंगे। आई हैव जॉइंड, जस्ट प्लीज इलैबोरेट द टॉपिक। यस नेहा, आई विल डू दैट। सो अभी बेसिकली नेहा, हमारा जो आज की क्लास है ये है ब्रांडिंग की। ब्रांड कैसे बनते हैं ये भी हमने स्टार्ट किया है। अभी तक हमने सिर्फ उन पॉइंट्स को जॉट डाउन किया है जो शायद एक ब्रांड को ब्रांड बनाने में हेल्प करते हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्रांड बनता है वो तब बनता है जब आपकी रिकॉल वैल्यू हाई होती है। अब आप यहां तक की ना रिकॉर्डिंग देख लेना, ये मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, बट प्लीज यहां से बस इतना समझ लो, आप ब्रांड तब बनते हो जब आपके कस्टमर को आपका नाम याद रहेगा, रिकॉल फॉर अ वैल्यूएबल रीजन, ठीक है। यहां तक की रिकॉर्डिंग देख लेना। इससे पहले सिर्फ डिस्कशन हो रहा था, जनरल डिस्कशन जो कि ब्रांड कैसे बनेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? तो प्लीज एक बार बताएंगे, आगे बढ़े, सबको यहां तक क्लैरिटी मिल रही है? यस नो मे बी, ऑल गुड, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। प्लीज लेट मी नो गाइस, एक बार प्लीज बताएंगे रिएक्शंस यू कैन गिव और जस्ट टाइप यस नो मे बी। ठीक है, वंडरफुल, ठीक है, थैंक यू सो मच, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे। आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो गाइस, कुछ मिसकंसेप्ट भी हैं, कुछ मिसकंसेप्ट हैं जिन्हें प्लीज दिमाग से थोड़ा निकालना चाहिए। देखो बहुत सारे पैसों से आप ब्रांड नहीं बनते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ब्रांड बनना है तो बहुत पैसे चाहिए। ऐसे तो फिर कोई कंपनी, जो जेन्युइन कंपनी जो काम कर रही है, वो तो कभी ब्रांड बन ही पाती नहीं लाइफ में। आपने कितने एग्जांपल्स देखे होंगे जो लोग घर से शुरू करते हैं, बिल्कुल धीरे से शुरू करते हैं, आराम से शुरू करते हैं, धीरे 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 बड़े बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है। आपने बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे जो बहुत धमाके से शुरू करते हैं,
पहले ही पीआर कर लेते हैं, इवेंट कर देते हैं, ये ब्रांड सेलिब्रिटीज को हायर कर लेते हैं, फिर वो कंपनी डूब भी जाती है थोड़े दिनों के अंदर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके किसी स्टार्टअप में ज्वाइन कर रहे हो, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इट इज नॉट अबाउट वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। योर बेस्ट इन्वेस्टर्स आर योर कस्टमर्स। कोई फंडिंग वंडिंग की जरूरत नहीं है। शार्क टैंक वैक टैंक ठीक है, मतलब किसी को लगता है तो बिल्कुल करो, बट आई डू नॉट पर्सनली थिंक इट कि दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। योर बेस्ट इन्वेस्टर्स आर योर कस्टमर्स, थिंक अबाउट इट, है कि नहीं? अगर आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है तो आपको प्रॉफिट आएगा, आपके पास रेवेन्यू आएगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं है, कस्टमर ही प्रोडक्ट नहीं खरीदा, फिर आप देखोगे कोई इन्वेस्टर लगा दे कहीं पैसा, या कोई आइडिया लेवल पे होता है तब तो पैसा लगाया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद इट हैज टू बी द प्रोडक्ट। सो इट्स नॉट अबाउट द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपके पास आज 2 करोड़ रुपए का फंड है और आप रॉन्ग स्ट्रेटेजिकल मार्केटिंग कर रहे हो, 2 करोड़ रुपए की वैल्यू डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, इट विल बी 0 1 डे। बट इफ यू हैव जीरो 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 मनी टुडे और लिमिटेड मनी टुडे, 10,000-20,000 रुपए है, आपका प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, आपने 20,000 रुपए एड्स पे लगाए, आपने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो आप अगले महीने 30,000-40,000 लगा दोगे एड्स पे, राइट? यू कैन इंक्रीमेंट योर बजट, इंक्रीमेंटल बजटिंग कर सकते हो, आप धीरे धीरे बजट को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? तो दैट इज हाउ यू कैन बिकम अ बिग ब्रांड। बट यू शुड नो कि उस बजट को मैनेज कैसे करना है। 40,000 का अगर एड रन कर रहा हूँ तो ये कैसे मैनेज होगा, 1 लाख के एड मैनेज रन कर रहा हूँ तो ये कैसे मैनेज होगा, ये सीखोगे क्लासेस में। दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है? दूसरी मिथ होता है कि ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होता है ब्रांड बनने के लिए। ब्रांड एम्बेसडर्स आर ओके, मतलब उनकी जरूरत है मार्केट में, जहां जितनी होनी चाहिए, कुछ बात कहनी है, कुछ कुछ बात बतानी है, दे हैव लॉट ऑफ ऑडियंसिस विद देम, दे विल टेल, तो रिजल्ट आता है। इसे मैं यहाँ मैं ब्रांड एम्बेसडर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग हो गई। ब्रांड हो गया शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को एड में ले लिया जबरदस्ती, नवरत्न तेल, वट एवर, गॉट द पॉइंट? तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रांड एम्बेसडर ही आपके ब्रांड को बोलेगा तो आपका ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। इसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। बायजूस इज वन सच एग्जाम्पल। कितने ब्रांड सेलिब्रिटी, शाहरुख खान और वो रोनाल्डो, कौन सा प्लेयर है वो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राइट, सॉकर का, हाँ, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके इतने इतनी ज्यादा एड्स पे पैसा खर्चा कर दिया कि ऑब्वियसली उनका फिर क्रंच आ गया। तो दिस इज वन सच एग्जाम्पल। देखो, जितने अच्छे ब्रांड्स हैं, जरूरी नहीं है कि उनका कोई ब्रांड सेलिब्रिटी हो। जैसे जैसे अमेजोन है, ब्रांड सेलिब्रिटी कोई कोई है अमेजोन का? ओला, उबर, गूगल, इंस्टाग्राम, जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं आज के डेट में, इनके ब्रांड सेलिब्रिटी नहीं है। जस्ट हाँ, उनके ओनर ही ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। एक टाइम के बाद उनका इंटरव्यू होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर। लेंस कार्ड फॉर एग्जांपल, सर, बट आफ्टर स्पेंडिंग सम मनी ऑन द ब्रांड बट इट्स नॉट वर्किंग मच टू कस्टमर टू एज वेल, सो वी नीड टू स्पेंड मनी ऑन एड्स इन न्यूज़पेपर, सो इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट। नो, देखो आर्यन, स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ, अगर लिमिटेड पैसे भी हैं और आपको राइट स्ट्रेटेजिकल मार्केटिंग करनी आती है तो आपका काम चल जाएगा। आप यहीं से भी ब्रांड बनना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बोला मेरे पास 20,000 रुपए हैं, मैंने ऐड पर 20,000 रुपए खर्चा किया है, 20 कस्टमर मिल गए। मुझे ये ध्यान रखना है कि 20 कस्टमर्स को मेरा मेरा नाम याद आना चाहिए फिर से, तो मैं यहीं से ब्रांड बनना स्टार्ट हो गया। अब ऑब्वियसली बात है, पूरी दुनिया तक अब मेरे को पहुंचना है, पूरे इंडिया तक पहुंचना है, तो वो ऑब्वियसली रीच के लिए पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने एड रेवेन्यू को बढ़ा सकता हूँ। कहने का पॉइंट ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसे की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, बिना पैसे के सब हो जाएगा, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में ब्रांड बनने के लिए बहुत बड़े पैसे, बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती है। अगर नहीं भी है तो भी ब्रांड बना जा सकता है, ठीक है? आर्यन, समझ में आ रहा है? एड्स ऑफ मेनी बिग ब्रांड्स डोंट इवन कम ऑन टीवी। यस, एब्सोल्युटली, ये भी बात ठीक है, ठीक है, ओके, यहां तक क्लैरिटी आ रही है? तो इट्स नॉट अबाउट दैट, एंड इट्स नॉट अबाउट लाइक शोइंग योर एड्स ओवर एंड ओवर अगेन। स्ट्रेटेजिकल एड्स भी आप दिखा सकते हैं। थोड़े से मिथ्स है जो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ एज अ मार्केटर टू यू, ठीक है? आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब आप मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, मेरे साथ इसको लिखना आप, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, जब आप मार्केटिंग करेंगे तो आपकी हर मार्केटिंग की स्ट्रेटजी की 5 स्टेजेस हैं। आपका कस्टमर 5 स्टेजेस से होके निकलेगा, ठीक है? कितनी बड़ी कंपनी हो, कितनी छोटी कंपनी हो, वो 5 स्टेजेस तो होके ही रहेंगी। मार्केटिंग स्टेजेस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, सब चलेगा। ये कंटेंट की स्टेजेस हैं बेसिकली। इस स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट चेंज होता है। देखो फॉर एग्जांपल, पहली स्टेज होती है अवेयरनेस स्टेज, ठीक है? फर्स्ट स्टेज इज अवेयरनेस स्टेज। जब आपका कस्टमर आपको जानता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है आप कौन हो, आपका नाम नहीं पता, आप लोगों ने आईलीवेट का नाम कहीं पहली बार सुना होगा अभी थोड़े दिन पहले,
हो सकता है आपने कोई वीडियो देखा हो यूट्यूब पे, कोई ऐड देखा हो गूगल में, कुछ क्लिक हुआ होगा जिसकी वजह से आपने फर्स्ट टाइम एलिवेट का नाम देखा, आप वेबसाइट पे आ गए। अब इस प्रोसेस को समझना, आप वेबसाइट पे आ गए, आपने वेबसाइट देखी, दिस इज अवेयरनेस स्टेज, यू आर वॉचिंग द लैंडिंग पेज, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस स्टेज। एलिवेट का नाम पहली बार सुना, फीचर्स को पहली बार देखा, इन्फॉर्मेशन स्टेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कि कस्टमर इज गेटिंग इन्फॉर्म्ड अबाउट योर प्रोडक्ट और योर ब्रांड नेम, इन्फॉर्मेशन स्टेज, सॉरी इन्फॉर्मेशन स्टेज, समझ में आ रहा है ना। कंटेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप लोगों ने कंटेंट वाली इन्फॉर्मेशन देख ली, मतलब आपने नाम देख लिया, आपने जब नाम देखा, जब आपने कंटेंट को देखा, अवेयर हो गया, तो आप आ गए इस स्टेज में, कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में आपने मे बी फ्री ट्रायल क्लास को बुक किया होगा, ठीक है, तो क्लास को बुक करने का कंटेंट अलग था, आपने मे बी किसी बटन पे क्लिक किया होगा, कोई पॉपअप हुआ होगा, कोई फॉर्म होगा जिसमें आपने क्लिक किया होगा, हो सकता है व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया हो, यू कैन बुक अ फ्री ट्रायल क्लास, ऑटोमेटेड मैसेज, दीज कॉन्टेंट्स आर कंसिडरेशन स्टेज एग्जाम्पल। ये तो मैंने हमारा एग्जाम्पल दे दिया आपको। ई कॉमर्स में जब आप कंसिडर करते हो, आप विश लिस्ट करते हो प्रोडक्ट को, एड टू कार्ट करके भी छोड़ देते हो कई बार, राइट, आप उनकी रिटर्न पॉलिसीज वगैरह वगैरह मतलब चेकआउट करते हो, तो ये कॉन्टेंट हो गया ई ई कॉमर्स का कंसिडरेशन। ऑफलाइन में अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ऑफलाइन मार्केटिंग में कंपनीज क्या करती हैं, बंडल्ड प्रोडक्ट देती हैं, एक बड़े पैकेट के साथ छोटा सा पैकेट ऐसे रैप करके दे देती हैं, ट्रायल ऑफर होता है कि नहीं होता कई बार, तो ये क्या है, ये कंसिडर करना, आप एक बार कंसिडर करके देखो। जनरली फीमेल्स जाती हैं शॉपिंग करने, साड़ी वाड़ी खरीदने जाती हैं, लाइक ऐसा सीजन आता है लाइक शादी वादी का, तो कहती है भैया ये वाली दो साड़ियां साइड में निकाल दो और दिखाओ, तो जो दो साइड में निकाली है वो हो गई कंसिडरेशन एग्जाम्पल। समझ में आ रहा सबको, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो आप यहाँ पे ट्रायल्स भी देखते हो, ऑफर्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, दिस इज वेयर कंपनीज गिव यू कंसिडरेशन, ठीक है। अब आपने ट्रायल क्लास ले ली, तो अब तीसरा आता है एक्शन स्टेज, या आपने एड टू कार्ट कर लिया, एक्शन स्टेज में आती हैं डील्स, डिस्काउंट्स, ऑफर्स, मतलब समथिंग गुड। अब इसमें पूरा प्रोसेस भी होता है, बाइंग प्रोसेस भी होता है इसके अंदर, मतलब जैसे आपने ई कॉमर्स में एड टू कार्ट कर दिया, तो अब आप देख रहे हो कि उसका लाइक डिलीवरी टाइमिंग कितना है, आपको तो प्रोडक्ट कल ही चाहिए या आपको 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए, वो कह रहा है विल बी डिलीवर्ड इन 5 to 7 days, तो आप वो प्रोडक्ट छोड़ दोगे, आप दूसरी वेबसाइट पर जाओगे, आपको वहां पे वो शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है अननेसेसरीली, दूसरी वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट पे वो फ्री फ्री डिलीवरी दे रहा है, तो आप फ्री डिलीवरी वाले पे जाओगे, ऑब्वियसली प्रोडक्ट सेम है, छोटी छोटी चीजों से कस्टमर हिल जाता है, मतलब मूव मूव हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड बाइंग प्रोसेस एक्शन स्टेज। आप एमेजोन पे वो प्रोडक्ट 10,000 रुपए का है और फ्लिपकार्ट पे वही सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांड 8,500 रुपए का मिल रहा है, तो आप फ्लिपकार्ट से लोगे, समझ में आ रहा है, डील्स डिस्काउंट्स। अब इसमें इसमें प्रोसेस भी आ जाता है कि आपको पेमेंट करनी है वॉलेट में, आपके आपके पैसे हैं, ठीक है, पेटीएम वॉलेट में, अब वो वहां कह रहे हैं नहीं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ही लेंगे, ऑप्शन नहीं है सारे लाइक पेमेंट करने वाले, तो भी कस्टमर ड्रॉप होता है, दीज आर ऑल कॉन्टेंट स्टेजेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यू हैव टू डिजाइन द कॉन्टेंट ऑफ द वेबसाइट अकॉर्डिंग टू दीज स्टेजेस, तीन स्टेजेस बता दी, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ऑनलाइन पीपल एक बार प्लीज बताएंगे, ठीक है, इशू क्लियर है, कालाघाटो आपको क्लियर है, आयाज ओके, रोली गोविंद सबको क्लैरिटी मिल रही है, वंडरफुल, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेज, अब ध्यान से सुनना, ये दो स्टेजेस पे जो ध्यान देता है वो ब्रांड बनता है, ये तीन स्टेजेस तो सब जगह है, तीन स्टेजेस तो हर जगह है, मतलब एक दुकान पे भी जाओगे आप तो ये तो मतलब जहां जहां परचेज ही नहीं हो रही तो फिर तो वो बिजनेस ही नहीं है ना। ये लॉयल्टी स्टेज, इसको रीपरचेज स्टेज भी बोलते हैं, सेम कस्टमर जब आपसे दोबारा खरीदता है, जैसे आपने अमेजोन से कई बार खरीदा होगा, यू आर अ लॉयल कस्टमर टू देम, लॉयल्टी स्टेज, व्हेन द सेम कस्टमर हु हैज परचेज्ड फ्रॉम यू इन द पास्ट इज गोइंग टू बाय अगेन फ्रॉम यू और विल बी बाइंग अगेन फ्रॉम यू, दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी स्टेज, ठीक है। इसका भी कॉन्टेंट अलग है, यहाँ पे कंपनीज ईमेलर्स भेजती हैं आपको, आपको डिस्काउंट कूपन्स भेजती हैं नेक्स्ट परचेज के लिए, आपके पॉइंट सिस्टम्स बना देते हैं, जैसे Amazon पे Amazon प्राइम मेंबर्स हैं, दिस इज ऑल्सो लॉयल्टी स्टेज एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कई बहुत सारी एप्लीकेशन करती हैं कि यू कैन बाय दिस दिस मेंबरशिप, इसमें आपको ये चीज मिलेगा वो मिलेगा, ताकि कस्टमर वापस लौट के आए, इसे बोलते हैं लॉयल्टी स्टेज। अब एक और स्टेज है, इसे बोलते हैं एडवोकेसी स्टेज, दिस स्टेज इज बेसिकली एडवोकेसी स्टेज हो गई कि जो आपके कस्टमर्स हैं ना वो फैन बन जाते हैं आपके, वो आपके एडवोकेट्स बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं आपके, है ना। जनरली ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, जिसको जो पार्टी पसंद है वो पार्टी पसंद, जो मर्जी बोल लो आप उसके बारे में, लड़ लो झगड़ लो जो जो मर्जी बोल दो, उसको समझ में आएगा ही नहीं,
जिस किसी किसी को मोदी जी पसंद है तो मोदी जी पसंद है, किसी को राहुल जी पसंद है तो उनको राहुल जी पसंद है। अब किसको पसंद है मुझे नहीं पता, बट जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, ठीक है? तो समझ में आ रहा है आपको, पीपल बिकम योर फैंस, दे स्टार्ट टू डू वर्ड ऑफ माउथ फॉर यू। इसको बोलते हैं रेफरल स्टेज। यहां आपको मार्केट में रेफरल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप कितनी चीजों को बिना लाइक ध्यान दिए रेफर कर देते हो अनकॉन्शियसली, कई बार होता है ऐसा, बातों बातों में रेफर कर जाते हो, आपको पता भी चलता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बड़ी अच्छी जैकेट पहनी हुई है, या आपने लिवाइस की जैकेट जैकेट पहनी बड़ी अच्छी, ठीक है? अब आपका एक फ्रेंड है, यार बड़ी अच्छी जैकेट मतलब पहनी हुई है, कहाँ से ली? तो आप भी बोलते हो कि हाँ कल ही मंगवाई है, मिंत्रा से ली है, तू भी ले ले। ऐसे होता है ना कभी कभी, आप जब पूछते हो, आप कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहन के गई हो कहीं कहीं शादी पार्टी में, तो आपसे आपके फ्रेंड्स वगैरह कजन ब्रदर्स पूछते हैं बड़ी अच्छी ड्रेस है कहाँ से ली, हमें भी बता दे। तो दिस इज वेयर यू रेफर स्टफ। एडवोकेसी में यहां पे वर्ड ऑफ माउथ होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। इससे बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है इस दुनिया में, कभी नहीं होगी। पहले भी ये था, आज भी है, कल भी रहेगा। वर्ड ऑफ माउथ टेक्नोलॉजी की एज में हम इसे वायरल मार्केटिंग भी बोलते हैं। वायरलिटी होती है ना, वायरल हो जाता है, सम पीपल स्टार्ट टू लाइक मे बी शेयर वन वीडियो टू अनदर पर्सन, ग्रुप्स में आप शेयर करते हो, इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। अब वर्ड ऑफ माउथ में बहुत सारी इसमें भी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कंपनीज यूज अप करती हैं, ये हम आगे सीखेंगे जब कंटेंट क्लास में हम जाएंगे। तो ये आपको समझना है कि देखो हर कंपनी का ना ये आखिरी गोल होना चाहिए, ये वर्ड ऑफ माउथ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली नाउ, मैं आपको एथिकल मार्केटिंग समझा रहा हूँ, एथिकल मार्केटिंग। देखो एक चीज समझना, कस्टमर आया आपकी वेबसाइट पे, अगर आप एज अ स्ट्रैटेजिस्ट हो, मतलब यू आर द मार्केटर और आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक है? ध्यान से सुनना, अगर आप को ये पता है कि मुझे ब्रांड बनने के लिए एडवोकेसी तक लेके जाना है मेरे कस्टमर को, मेरे को उससे रेफरल चाहिए, राइट? आई वांट कि वो मेरे को मतलब रेस्पेक्ट भी करे और मेरे को रेफरल भी दे और भी लोगों को बताए मेरे बारे में मार्केट में। तो आप की जो स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग टर्म होगी बाय डिफॉल्ट, आप लॉन्ग टर्म ही सोचोगे बाय डिफॉल्ट। कुछ कुछ क्या, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ सेल के बारे में सोचती हैं, सेल हो जाए किसी तरह, बस किसी तरह पैसे आ जाए, सेल हो जाए, सोले सेल हो जाए, तो वो सिर्फ यहां तक सोचेंगी। मतलब ये यहां तक सोचने वाले लोग गिमिक भी करते हैं मार्केट में, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। MLM जैसे वो बहुत चल रहा है अभी, वो संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? आई एम नॉट, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना गलत है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल के थिंग्स आर देयर। मतलब वेन यू थिंक अबाउट द कस्टमर, यू विल ऑलवेज थिंक मतलब लॉन्ग टर्म। अगर आप ये वाली स्टेज को दिमाग में रख के चल रहे हो, आप हमेशा एथिकल मार्केटिंग करोगे। लोग यहाँ गिमिक करते हैं जब उन्हें सिर्फ सेल सेल चाहिए होती है, तो हमेशा थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है? तो ये पांच स्टेजेस हैं जिससे आपका कस्टमर होके निकलेगा हर कंपनी का, चाहे छोटी से छोटी कंपनी है, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी, आपका कंटेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बात समझ में आ गई सबको, प्लीज पहले इतना बताइए यस और नो, ऑनलाइन पीपल क्लियर है? लिख लिया आपने सबने? रॉली यस, ओके। बाकी सब लोगों ने भी लिख लिया? नेहा, अयाज, ईशु, ओके वंडरफुल, ठीक है। रोहित, ग्रेट, सबको समझ में आ रहा है आपको, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको पांच स्टेजेस बता दिए। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब से स्ट्रैटेजी बनानी है 80% आपके करियर में आपका रोल स्ट्रैटेजी का है। स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये सीखते हैं। चार स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, स्ट्रैटेजी बनाने के चार स्टेप्स सेम है हर प्रोडक्ट सर्विस के लिए, हर कंपनी के लिए। इसके बाद स्ट्रैटेजी ट्वीक हो जाती है। चार स्टेप्स बिल्कुल सेम है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो, हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है? यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखो पहला स्टेप होता है स्ट्रैटेजी बनाने में सेगमेंटेशन का, मेरे साथ लिखिए इसको, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट स्टेप इज सेगमेंटेशन। आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। आर्यन थैंक यू सो मच, बहुत सारे दिल भेजे आपने। आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। इट्स अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, राइट? मतलब आपको पता होना चाहिए आपका सेगमेंट कौन सा है। देखो एक ब्रांड है मारुति, एक ब्रांड है BMW, दोनों गाड़ियां बेच रहे हैं लेकिन दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग है, बिल्कुल अलग है ना? समझ में आ गया आपको टारगेट ऑडियंस क्या होता है? तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है पहले। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? इसके लिए कम से कम तीन चीजें पता होनी चाहिए आपको आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में, तीन चीजें कम से कम स्ट्रैटेजी बनाने में। जितना ज्यादा पता हो उतना अच्छा है, तीन पता है तो कम से कम आपका काम बन जाएगा। पहला स्टेप जो आपको, पहली चीज जो समझनी है वो है जेंडर परसेंटेज ऑफ बायर्स। Please write it down with me. Gender percentage of buyers.
मेरी वेबसाइट पे मेल कितने परसेंट आते हैं, फीमेल कितने परसेंट आते हैं, इसके टूल्स होते हैं गूगल एनालिटिक्स एंड ऑल, यू कैन ट्रैक इट के कितने परसेंटेज लोग फीमेल है मेल है, ये आपको पता करना है. क्यों? क्योंकि दोनों जेंडर्स का बाइंग बिहेवियर अलग है ना. फीमेल्स अलग तरीके से खरीदते हैं, मेल्स अलग तरीके से खरीदते हैं. जेंडर परसेंटेज ऑफ बायर, अब दोनों ही आएंगे आपकी वेबसाइट पे, लेकिन हो सकता है 75% फीमेल है, 25% मेल है, तो आपका टारगेट ऑडियंस फीमेल्स है पहले, ठीक है. दूसरा, एज रेंज ऑफ बायर, हर एज में साइकोलॉजी डिफर करती है. जब आप 18 से 25 इयर्स के बीच में, जब आप स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हो, तो सोचने का तरीका डिफरेंट है. जब आप 25 टू 40 इयर्स के बीच में यंग प्रोफेशनल्स काइंड ऑफ होते हैं, तो थोड़ा सोचने का तरीका थोड़ा ट्वीक हो जाता है. थोड़ा ऑफ एनालिसिस एंड एवरीथिंग गोज इनटू बिफोर बाइंग. जब आप 40s एंड अबव हैं, जो आपके पेरेंट्स की एज के लाइक लोग हैं, जो पेरेंट्स के लेवल के जो एज ग्रुप होते हैं, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग है. समझ में आ रहा है ना? तो देयर इज अ डिफरेंस इन द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स लाइक बाइंग प्रोसेस. तो एज ऑफ द बायर, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल्स लाइक बजट. बजट कितना होगा, ठीक है, कितने का खरीदना है. अब अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपका बजट है 15 लाख रुपए का, तो आप 15 लाख रुपए के बीच की गाड़ी देखोगे, ठीक है, उसमें आप डिसाइड करोगे. अगर कोई ओवर बजट चला जाएगा तो फिर वो खरीदने का फायदा नहीं है. 20 लाख रुपए की कोई आपको गाड़ी दिखा रहा है जबरदस्ती, तो वो कितना ही एक्सप्लेन कर ले आपको, आप खरीदने वाले नहीं हो. आप बोलोगे यार बजट ही नहीं है, तू पता नहीं कि बिना बात मेरे को दिखाया जा रहा है. वो कह रहा है नहीं मेरे पास बीएमडब्ल्यू भी है, वो कह रहा है लेनी नहीं है. समझ में आ रहा है? तो डेफिनेटली बजट मैटर्स. ये तीन चीजें कम से कम पता करनी है आपको पहले आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में. दिस इज फर्स्ट सेगमेंटेशन प्रोसेस. नाउ आई नो माय ऑडियंस, ठीक है. सेकंड थिंग, अब जब आपने पता कर लिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ऑडियंस के बारे में, तो आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है मार्केट में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोजीशनिंग क्या होता है? देखो गाइस, पोजीशनिंग का मतलब है मैं मेरे कस्टमर को कैसे बताऊं कि मैं डिफरेंट हूं मार्केट में. आई एम अ डिफरेंट प्लेयर. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये लॉन्ग टर्म काम करता है. इसमें आपकी यूएसपीज आ जाती हैं, आपके विजन मिशंस भी आ जाते हैं. व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू डू, दैट इज वेयर यू रिलेट विद द पीपल. सो अभी मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो. बहुत कंपटीशन भी है. कंपटीशन वैसे नीचे लेवल पे ही होता है ज्यादातर, अगर बात करें तो कंपटीशन भी है, लेकिन मार्केट में बहुत लोग हैं, ठीक है. आप कैसे कस्टमर के लिए डिफरेंट हो, दिस इज यूनिकनेस. ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी यूनिकनेस है. अगर मैं अगर बात करूं एक नॉर्मल टैक्सी वेंडर और एक ओला में, तो यूनिकनेस है, राइट. ओला उबर की एप्लीकेशन है, लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर, जिससे कि आप वन क्लिक में एकदम डोर स्टेप पे सारी चीजें आ जाती हैं, सारी क्लैरिटी मिल जाती है. तो दिस इज कॉल्ड यूएसपीज, ठीक है. अगर मैं आई एलिवेट की अगर मैं आपको बात करता हूं, तो हमारी भी यूएसपीज हैं, है कि नहीं है? लगता तो है मुझे ऐसा है, तभी तो आप लोग आ गए, तभी तो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है. तो देखो पॉइंट इज दिस, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी चीज 96 टॉपिक्स है, तो वाइडेस्ट करिकुलम है, ठीक है. अमेजोन की आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग मिल रही है, दिस इज ऑल्सो यूएसपी. इसमें कंपेरिजन नहीं है, मतलब इवन इफ यू विल कंपेयर, सो यू विल सी द डिफरेंस क्लियरली, ठीक है. क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, तो क्वालिटी में भी है. सबसे इंपॉर्टेंटली, आप आई एम श्योर आप लोगों ने पूरी रिसर्च करी होगी यहाँ आने से पहले, तो आपको प्राइस पॉइंट का भी डिफरेंस दिखा होगा मार्केट में. तो दैट इज ऑल्सो आर यूएसपी. यूएसपीज क्रिएट करना है. अब उसके बाद विजन मिशन भी आता है कंपनीज का. विजन मिशन में क्या होता है, बेसिकली व्हाट चेंज यू वुड लाइक टू डू इन द मार्केट. ये बहुत कम कंपनीज के पास होता है. आई थिंक मे बी 2-3% कंपनीज होती है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास ये चीज होती है. बोलने के लिए, लिखने के लिए नहीं. लिखने के लिए तो हर एक बंदा बना दे अबाउट अस पेज, हमारी विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, बट व्हाट इज एग्जैक्टली दैट यू आर ट्राइंग टू डू. अगर ये आपने क्लैरिफाई कर लिया, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटर हो, आप लॉयर हो, आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट करनी है, आपको कुछ भी करना है, आपको कोई भी ब्रांड स्टार्ट करना है, दिस हैज टू बी रियलिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईलिवेट का एग्जाम्पल दूं, सो वी आर अ ब्रांड दैट वर्क्स ऑन ऑनेस्ट प्राइसिंग मॉडल. We do not believe in charging hefty amounts for the same product that can be given in this price range. Similarly, कुछ hospitals भी ऐसे हैं ना जो unnecessarily बस bill बनाने में लगे हुए हैं. अगर आप ये long term तक करोगे तो लोग relate करेंगे. If you are able to do this for a long term, that is where you become a very strong brand. फिर जो generational जो brand होता है ना, तब बनता है. अगर मैं Tata की मैं अगर बात करता हूँ, तो Tata का जब दिमाग में नाम आता है, तो trust, Tata के साथ trust जो है वो दिमाग में अच्छे से आता है कि टाटा इज सच अ ट्रस्ट वर्दी ब्रांड. आता है कि नहीं आता है? तो क्योंकि उन्होंने ये सालों तक करा है. दैट इज वेयर आपका पोजीशनिंग मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी स्टार्टिंग में तो ये सब नहीं होता है, मतलब
होगा भी तो लोगों को समझाने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, बट पोजिशनिंग इज इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट यूएसपी आपको डिफाइन करनी है। ये पॉइंट क्लियर है? नहीं है तो यूएसपी बनाओ, सोचो कुछ ना कुछ तो कस्टमर के लिए करना ही पड़ेगा। ब्रांडिंग लॉन्ग टर्म ही है, करेक्ट, एब्सोल्यूटली। ये सारे ब्रांडिंग वाली चीजें हैं कि मैं ब्रांड को दिमाग में रखते हुए कैसे कैसे क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब देखो, चलो मैंने यूएसपी क्रिएट कर ली, अब क्या क्या करें? अब मैंने यूएसपी क्रिएट कर लिया, मुझे बताना है ना कस्टमर को कि मैं आपके लिए डिफरेंट हूं, आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर यू। तो हमें क्या करना है अब हमें मार्केटिंग कैंपेन्स डिजाइन करने हैं। बट कैसे कैंपेन्स? हाईली टारगेटेड कैंपेन्स, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा। हाईली टारगेटेड एड्स, हाईली टारगेटेड एड्स जो 1 सेकेंड के अंदर अपना मैसेज अक्रॉस करते हैं। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन जस्ट फ्यू मिनट्स। ठीक है, अब पांचवा, अब चौथा स्टेप, यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब ये होता है ना मार्केटिंग कैंपेन से, लोग जानते हैं आपको, वो जान जाएंगे कि आप भी मार्केट में हो, खरीदेंगे तब जब ये होगा। यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट, दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ डे। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नॉट ऐसी चीज नहीं है कि एक रातों रात हो जाए या 6 महीने हो जाए। ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगता है, ब्रेक करने में एक दो चीजें बहुत है। वही अगेन विवेक बिंद्रा वाला एग्जाम्पल, सच अ बिग बिग ब्रांड्स। विवेक बिंद्रा मतलब आज भी खैर ब्रांड है, वॉज और इज स्टिल अ ब्रांड, बट अब थोड़ा सा डाइसी हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन कॉन्ट्रोवर्सी या वट एवर, आई एम नॉट टू श्योर कि क्या है। हाँ? एक और कॉन्ट्रोवर्सी होगी। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस का भी हो गया? नहीं, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। चलो, एनी एनी विच वेज, द पॉइंट इज दिस, नाउ नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इट वॉज सच अ बिग बिग ब्रांड, अब शायद मे बी डिप हो रहा है, हो सकता है कुछ चीजें वो चीजें कर भी दे तो दोबारा आ जाएगा। ये स्टेजेस आती हैं, इसको ORM बोलते हैं, पता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये आपके कोर्स का पार्ट है। ये विवेक बिंद्रा इज नॉट द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। मैं आपको 30 30 साल पुराने एग्जाम्पल दे दूंगा। ORM जिन्होंने नहीं करा, वो ब्रांड बन के खो अपने अपने ब्रांड नेम को मिट्टी में मिला दिया या मिल गया, पता नहीं था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ब्रिटिश पेट्रोलियम वॉज अ कंपनी, आपको पता है ना, बीपी, बीपी ऑयल, पेट्रोल पेट्रोल पंप्स वाले बीपी। तो ब्रिटिश नहीं, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अलग है, ब्रिटिश पेट्रोलियम अलग है, बीपी। दैट वॉज मतलब ये एक केस स्टडी है यूएसए की। अब ब्रिटिश पेट्रोलियम एक ऐसी कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप्स होते हैं, अगर आप बोलो कि हमारे यहाँ पेट्रोल पंप है, ये कौन कौन सी कंपनीज के हैं, ठीक है, तो वहां पे बीपी वॉज लाइक 80% प्लेयर इन यूएसए। जल्दी से बताऊंगा ताकि ज्यादा आपका टाइम, मतलब ज्यादा टाइम हम इस पे स्पेंड ना करें, लेकिन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, क्योंकि हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो ब्रांडिंग से रिलेटेड है। तो उन्होंने क्या करा, 80% उनका लाइक स्टेक था, मतलब पूरी यूएस की इकोनॉमी में 80% पेट्रोल जो जाता था वो उनके पेट्रोल पंप से जाता था। ठीक है, एंड एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम इज अ यूके बेस्ड कंपनी, ब्रिटिशर्स की कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी नहीं है, बट सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका था उनका। अब सुनो क्या हुआ कि उनका ना, जैसे जो सी है पास में, जो उनके नियरेस्ट सी है, उसमें उनके लाइक रिफाइनरी थी। अब वो रिफाइनरी में क्या हुआ कि कुछ ऑयल लीकेज होना स्टार्ट हुआ था। ये अगर आप यूट्यूब वगैरह पे भी जाएंगे तो उसकी बहुत सारी आपको वीडियोस वगैरह मतलब दिखेंगी, पुराने काफी पुरानी बात होगी। तो उनका ऑयल लीकेज हो रहा था, और वो ऑयल लीकेज होता रहा, तो उनके लोगों ने, जो वर्कर्स अमेरिकन काम कर रहे थे, उन्होंने मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा बताया कि ऑयल लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली लाइक बहुत डेंजरस है। मैनेजमेंट ने कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, छोटी सी लीकेज है, ठीक हो जाएगी, जो भी करा होगा, उसमें आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गया। पूरी पूरी जो रिफाइनरी थी वो समंदर के बीच में होती है, कुछ कुछ 100 किलोमीटर के मतलब आसपास जाओगे तब तब होती है, बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, बट मतलब जो शोर होता है उससे थोड़ा सा दूर होती है। तो ब्लास्ट हो गया, जो वर्कर वगैरह काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ब्लास्ट हुआ और वो सारा स्पिलेज हो गया, पूरा ऑयल जो था, टैंकर वैंकर फट गए, तो वो पूरा अंदर जो सी के अंदर भी था, बहुत नुकसान हुआ। अब ये रेपुटेशन उनकी खराब हो गई यहाँ पर, मतलब बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए और बहुत सारे एकदम उनके खिलाफ न्यूज़पेपर्स में कि ये लोग ऐसे, क्योंकि ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, आउटसाइडर्स की कंपनीज है। फिर वो जो भी चलता है न्यूज वगैरह में, मतलब न्यूज नेगेटिविटी इज समथिंग दैट स्प्रेड्स वेरी 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 फास्ट। अब ये हुआ तो बॉयकॉट बॉयकॉट वगैरह चालू हो गया, उनके पेट्रोल पंप्स बहुत सारे बंद भी हो गए, सप्लाई डाउन हो गई, सब खत्म हो गया। मतलब फिर उसके बाद अगर आज आप देखोगे ना, देखो पेट्रोल पंप ऐसी चीज होती है, मतलब जहां आपको वाकई में कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। कायदे में देखा जाए आपके पेट्रोल पंप में तो लोग पेट्रोल डलवाएंगे डलवाएंगे, ठीक है, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज अब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स में खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी जो CSR कर रही थी अभी तक, वो उन्होंने बताई नहीं। वो अच्छा काम भी करते थे, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन उनकी नेगेटिविटी ज्यादा, लाइक इसको ORM बोलते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. सो समटाइम्स कंपनीज हैव टू क्रिएट द एडवर्टीजमेंट जस्ट टू शोकेस एंड मेक श्योर दैट देयर ब्रांड्स डज नॉट फॉल ऑफ बिकॉज ऑफ एनी XYZ थिंग दैट एनी एम्प्लॉय कैन ऑल्सो डू, या नेग्लिजेंस से भी हो जाए. समझ में आ रहा है आप लोगों को ये पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? ORM की अभी आगे क्लास है, तो आपको ये भी मेक श्योर करना होता है, जब आप अपनी ऑनलाइन ब्रांड बन रहे हो तो आपको अपनी ब्रांडिंग पे भी ध्यान रखना है. मतलब पॉजिटिव रिव्यूज, पॉजिटिविटी पर भी ध्यान देना है. नेगेटिविटी तो होती है हर कंपनी में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई बड़े से बड़ा ब्रांड हो जहां पे कुछ गलतियां ना हो रही हो एम्प्लॉयज से. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ आपको दिख नहीं 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 रहा है सरफेस पे. Amazon, Amazon में डेली लाखों डिलीवरीज होती है, राइट? क्या सारी डिलीवरी टाइम पे होती है? क्या सारी डिलीवरी के प्रोडक्ट मिल ही जाते हैं? कई बार होता नहीं कि लैपटॉप मंगाया, लैपटॉप नहीं आया, कुछ और आ गया. Amazon इज सच सच अ बिग बिग ब्रांड, तब भी होता है. दैट इज वेयर यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. ठीक है, सो यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट. इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. ट्रस्ट कैन ऑल्सो बी अर्न बाय द वे दैट यू राइट योर कॉन्टेंट इज वेल. ये आपको सिखाया जाएगा आगे चल के. तो ये चार स्टेप है जिससे आपको आपकी स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करना है स्टार्टिंग में. ये पॉइंट क्लियर है सबको? प्लीज एक बार बताएंगे यस और नो. ऑनलाइन पीपल आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल रही है, प्लीज एक बार बताएंगे. नेहा यस, सबको समझ में आ रहा है? ओके ठीक है. ओके सलीका कालागातो, ओके रोहित अकाउंट्स कालागातो, आपका नाम यही है या आपका नाम कुछ और है? मे बी आपका स्क्रीन नेम है. ठीक है, सबको क्लैरिटी मिल रही है? अपना नाम एक बार टाइप कर दो. दीपक, या ओके दीपक, थैंक यू. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. देखो ये पॉइंट समझ में आ गया है. अब थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे. मार्केटिंग के जो समंदर है इसमें हम और नीचे जाएंगे. अब थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कभी जीवन में भूलना नहीं, बहुत ध्यान से सुनना. मुझे दो स्टेटमेंट्स दूंगा आपको, ठीक है? नहीं समझ में आया तो पूछना, ऑब्वियसली दिस इज व्हाई यू आर, दैट इज व्हाई यू आर हियर. देखो गाइस, मार्केटिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन, राइट? कम्युनिकेट करना है हमें कुछ कस्टमर को. क्या कम्युनिकेट करना है ये सुनो पहले. एज अ मार्केटर आपको प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, ठीक है? प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होगा कभी भी, ये दिमाग में बिठा लो. ऑनलाइन पीपल ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होगा. प्रोडक्ट में एक वाई होता है, उस वाई को ऑब्जर्व करना है, उस वाई को प्रमोट करना है, ठीक है? ऑलवेज प्रमोट द वाई ऑफ द प्रोडक्ट. हर प्रोडक्ट में एक वाई होता है. वाई क्या होता है पहले ये सुनो. वाई जो होता है ये उस प्रोडक्ट को खरीदने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे हाईएस्ट रीजन कि ये प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है मार्केट में, या ये मेरा कस्टमर क्यों खरीदेगा, वो वाई होता है. इट देर कैन बी 4-5 वाईज एज वेल, देर कैन बी अनलिमिटेड वाईज एज वेल. एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं. बहुत मतलब बहुत सारे वाइज भी हो सकते हैं, लेकिन आपको हाईएस्ट वाई को पिक करना है. अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं. प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, वाई को प्रमोट करना है, ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो आईफोन, सबको बताया ना आईफोन क्या होता है? आईफोन इज आईफोन, राइट? हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग आईफोन एक बार बताना. यस नो मे बी, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग आईफोन? मी ओके दीपक आयाज यस, नेहा यस. तो जो लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों को भी देखते हैं. मतलब मार्केट पता है आपको. अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? अब मैं पहले उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो यूज कर रहे हैं. तो आप लोग बताना, आप लोगों ने आईफोन खरीदा क्यों है? वाई हैव यू बॉट आईफोन? और मुझे सही सही वाला रीजन बताना, बिल्कुल एकदम असली वाला. आईफोन खरीदा क्यों है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. हाँ वो सारे वो क्या कहते हैं ना, वो रशिया वाले आपके ऊपर ही आ रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करके. नहीं ऑब्वियसली लाइक सिक्योरिटी इज देयर, बट हमको ऐसे बिलियनर बिलियनर थोड़ी है कि पता नहीं मेरा फोन वोन हैक हो जाएगा. सिक्योरिटी ठीक है मे बी, चलो दैट इज वन रीजन. वो तो सिर्फ एक जोक वाली बात है. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर टेकिंग पिक्चर्स, ओके. स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ओके चलो ठीक है. जेड सिक्योरिटी है. एनी अदर रीजन? अच्छा बाकी लोग बताना जो आईफोन नहीं यूज कर रहे हैं. व्हाई डू यू थिंक आईफोन यूजर बाय आईफोन? स्टेटस सिंबल, ओके. इट्स अ ब्रांड, ओके. लिसन टू मी, अगर आपको फोटो खींचनी होती नेहा तो फिर तो आप DSLR ले लेते, खाली फोटो ही खींचनी होती. तो देखो ये भी एक रीजन है कि चलो इसमें ये भी फीचर है, बट द पॉइंट इज दिस. मेरे पास भी है तो मैं आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से बता रहा हूँ. पॉइंट इज दिस, इट्स लोगो हैज एन इम्प्रेशन इन द मार्केट दैट दिस इज द मोस्ट लाइक एलीट फोन ऑफ दिस 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 वर्ल्ड, ठीक है?
और जितने भी लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं वो उस एलीटनेस के लिए ही खरीदते हैं, यस और नो? अब लोग जैसे कंपनीज में जाते हैं, लोग होटल्स में जाते हैं, ताज होटल, ओबराइज होटल, 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए एक एक रात का देके आते हैं, 1 नाइट के लिए, मतलब 1-1 लाख रुपीज या 50-50 हज़ार रुपये का पैसे देते हैं, तो वो उस एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं। सो पीपल हु आर यूजिंग आईफोन, दे हैव दिस एक्सपीरियंस इन देयर हैंड, दिस इज द बेस्ट एलीट फोन ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? ये वाई है एप्पल ब्रांड का। बाकी फीचर्स भी हैं, सिक्योरिटी है, मतलब ठीक है, मतलब हैंग वैंग नहीं होता है, बहुत अच्छे चलता है, ओएस वगैरह अच्छा है, दैट इज गुड। वो तो खैर मजाक वाली बात थी जो मैं कह रहा था, सेफ्टी सिक्योरिटी वाली, बट एक्चुअली द फोन इज गुड। लेकिन वाई पकड़ो प्रोडक्ट का, अगर आईफोन वालों ने आपको हायर कर लिया कि यू आर द ब्रांड, यू आर द ब्रांड लाइक डिजिटल मार्केटर नाउ, तो ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हो आप, तो आप उस स्ट्रैटेजी बनाओगे कैसे? समझ में आ रहा है ना आपको? इसी इंडस्ट्री में एक और फोन है, एम आई फोन है ना। एम आई फोन इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है, नंबर्स में सबसे ज्यादा, किसी ने इससे ज्यादा फोन नहीं बेचे हैं इंडियन मार्केट में अभी तक, नंबर्स में बात कर रहा हूं मैं, इवन सैमसंग और आईफोन मिला के भी इतने नंबर्स नहीं है जितने जितने इसके हैं। इनके दो वाई हैं, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे, ऑनेस्ट प्राइसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना? जो फीचर 50-60 हज़ार के फोन में मिलता था वो उन्होंने 15-20 हज़ार के फोन में पैक करके मार्केट को दे दिया और बहुत पसंद आया लोगों को। हाँ, मतलब उसमें भी अच्छी अच्छी क्वालिटी वगैरह भी है, तो दैट इज वेयर दिस इज द वाई ऑफ दिस दिस ब्रांड। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 2015, 2016, 2017 मैसिव ग्रोथ थी इस कंपनी की, मैसिव ग्रोथ। पतंजलि, पतंजलि ब्रांड सबको पता है ना कौन सा ब्रांड है पतंजलि? सब जानते हैं, किसी को पता ऐसा तो नहीं कि किसी को मालूम ना हो पतंजलि कौन सा ब्रांड है। पतंजलि का 2015-16-17 1000% प्लस ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर। इनका वाई क्या है सोचो जरा, एग्जाम्पल दे दिया ना मैंने, वाई का क्या होता है सोचो जरा। बाबा रामदेव वाई नहीं है, बाबा रामदेव क्या करते हैं? हर्बल, नेचुरल। समझ में आ रहा है आपको? देखो अब आपको इसको देखो समझो, बाबा रामदेव योगा कराते हैं, वो योगा कर रहे होंगे, मैं मेरे को नहीं बताऊँ कहाँ योगा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, वो योगा कर रहे होंगे, वो योगा में आपको बताया जा रहे हैं कि नहीं हर्बल को यूज करो, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करो, इसमें केमिकल होता है, आयुर्वेदिक अपनाओ, जड़ी बूटियों को यूज करो, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करो, केमिकल फ्री, हेल्थ को बचाओ। तो उनका वाई क्या था? हेल्थ कॉन्शियसनेस, ठीक है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, स्वदेशी, ये लोगों के दिमाग में बैठता चला गया। एंड जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ही इज द फर्स्ट कंपनी या एक ही कंपनी है जिसने पूरा मार्केट बदल दिया। इससे पहले लोग कह रहे थे आपके टूथपेस्ट में नमक है, और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमारे टूथपेस्ट में नमक, काला वाला, जो भी जड़ी बूटियां होती हैं, और वैसे पैकेट के ऊपर जड़ी बूटियां बन के भी आने लग गई, सारी मार्केट को समझ में आ गया यार, मार्केट शिफ्ट हो गया। बाबा रामदेव हर एक एड में आके ये करो वो करो, आलोम विलोम व्हाटएवर ये भी करो। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? तो उन्होंने पूरा मार्केट शिफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं था कि आयुर्वेद पहले नहीं था, आयुर्वेद तो कितने हजारों सालों से है, उन्होंने खाली प्रेजेंट अच्छे से कर दिया पूरी मार्केट को कि उनको वैल्यू समझ में आ गई। दिस इज कॉल्ड राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो आपको वाई को प्रमोट करना है, ये प्रोडक्ट में वाई जो होता है ये हाईएस्ट वैल्यू होता है जिसकी वजह से कस्टमर खरीदेगा, ये कस्टमर को वैल्यू मिल रही है उससे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? प्लीज लेट मी नो यस और नो। सबको क्लैरिटी मिल रही है? ठीक है, नेहा, आयाज, सलीका, रोली, गोविंद, सबको क्लैरिटी है? ओके ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच गाइस। तो देखो यहां तक आपको समझ में आ गया कि वाई क्या होता है। तो मैंने पहली स्टेटमेंट बताई है आपको कि आपको प्रोडक्ट का वाई प्रमोट करना है। ध्यान देना, कभी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होगा, ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट सुनो अब, आप लोगों ने ध्यान से सुनना, आप लोगों ने जो आज तक खरीदा है वो आपने नहीं खरीदा है, जो भी खरीदा है, आपकी जीन्स, आपके शूज, आपके सनग्लासेस, आपके बैग्स, व्हाटएवर, आपके वॉलेट्स, एनीथिंग जो आपने खरीदा है ना, वो आप सिर्फ घर लेके आए हो, खरीदा नहीं है वो, तो खरीदा क्या है? ऐसे ऐसे मत देखो अजीब तरीके से कि ये क्या तो समझो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल खरीदते क्या है? आपने खरीदा क्या है सोचो जरा। यूटिलिटी नहीं, यूटिलिटी है तो आपको वो प्रोडक्ट लेना है, लेकिन यूटिलिटी की वजह से खरीदा जाता है। खरीदा क्या आपने? हाँ, इमोशन। ओके,
जरूरत, ओके, इमोशन, जरूरत. व्हाट इज योर नेम? पूजा. ओके, पूजा ने बोला लोग इमोशन खरीदते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? ऑनलाइन पीपल, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस के पीपल बाय इमोशंस, नॉट द प्रोडक्ट, रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड. रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड से आप सिलेक्ट करते हो कि ये ब्रांड की ये वाला ब्रांड, ठीक है. ओके गोविंद, नहीं, नीड्स, नीड्स खरीदते हैं. देखो नीड जो है ना, ये 10-10% मार्केट है सिर्फ. नीड का मतलब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी खरीदनी है फैमिली के लिए, नीड है ना वो, तो नीड तो ऑल्टो कार अच्छी है ना. नीड नीड पूरी हो रही है, वो चार पहिए हैं, वही चार लोग बैठ जाएंगे, फैमिली बैठ जाएगी, एसी वेसी सब कुछ, छत वत, माइलेज भी अच्छी है, सब कुछ सस्ती पड़ेगी. तो अगर मैं वैसे चलूँ टेक्निकली कैलकुलेट करते हुए, तो ऑल्टो इज अ वंडरफुल कार, पैसे सेविंग होगी, सब कुछ होगा, फटाफट फटाफट सस्ते में सर्विस होगी. लेकिन यहाँ डिजायर वाला गेम है अब दुनिया में, है कि नहीं? तो अभी तो ऑल्टो ले लिया, अब तो मुझे वो हॉन्डा सिटी चाहिए, वो ऑटो ऑटोमेटिक वाली, वो भी आ गई. थोड़े दिन बाद लगेगा फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, वो भी आ गई, लगेगा बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए. तो इट नेवर एंड्स. दैट इज वेयर द वर्ल्ड इज एक्चुअली फंक्शनिंग. दिस इज 90% मार्केट. एज अ मार्केटर आपको ही पता होना चाहिए सारी चीजें. लेकिन लेकिन फिर भी कमिंग बैक टू दैट, मन मन कर गया. ओके यस, ट्रस्ट, प्रेजेंटेशन, लुक्स, ये इससे हेल्प होती है बाय करने में, सलीका, ठीक है. मतलब बट देखो, थिंक अबाउट दिस, व्हाट पीपल आर बाइंग आर नॉट पीपल बाइंग इमोशंस. पीपल बाय इमोशंस, नॉट द प्रोडक्ट. शी इज एब्सोल्युटली राइट. पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय इमोशंस रिलेटेड विद द प्रोडक्ट्स. इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा आप तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ. बहुत एग्जाम्पल्स हैं. देखो, आप शादियां करते हैं लोग, ठीक है, शादियों में लाखों रुपया खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपया भी करते हैं, है ना. एकदम एलीट वाली शादियां भी होती हैं, वहां पे आरओआई है कुछ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कुछ? जीरो, है ना. माँ बाप बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों की अच्छी फ्यूचर के लिए दुनिया भर की चीजें करते हैं जो उनके कैपेसिटी में है. बच्चों को बाहर घूमने भेज देंगे, मतलब घूमने कह रहा हूँ, एडमिशन करा देंगे, मतलब अलग अलग, उसमें बच्चा चाहे वहां जाके चाहे 1 करोड़ रुपए खर्चा हो जाए, फिर उसका आरओआई नहीं है. दिस इज इमोशंस. और थोड़ा सा, चलो ये वैसा एग्जाम्पल हो गया, और वैसे एग्जाम्पल देना है, तो लेट्स सपोज एक सलीका है और एक पूजा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है. सलीका और पूजा, आप दोनों दोस्त हैं, मान लो, सारे लोग सुनना, तो ये दोनों दोस्त हैं, ध्यान से सुनना. अभी दो दो सिनारियो दूंगा. सलीका एंड पूजा आर फ्रेंड्स. इन लोगों को शॉपिंग करने जाना है, कोई शादी पार्टी है घर में, तो ये दोनों जाती है मॉल में एक, ठीक है, और जारा के शोरूम में जाती है. जारा इज अ ब्रांड, क्वालिटी सब कुछ आ गया ना वहाँ पे, और एवरीथिंग. तो जारा के शोरूम में जाती है. पूजा को एक ड्रेस पसंद आती है, तो पूजा उसको देखती है ऐसे, और शी गेट्स वेरी एक्साइटेड एंड शी लाइक वॉन्ट्स टू ट्राई इट नाउ. तो पूजा उस ड्रेस को ट्राई करने ट्रायल रूम में जाती है, और ऑब्वियसली जैसे आप ट्रायल रूम में जाते हो, आप दिखाते हो ना जिसके साथ आए होते हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, कि अच्छा लग रहा है, कैसा है. पूजा कम्स आउट वेरी एक्साइटेडली अगेन, हाउ इज दिस दिस ड्रेस, इज दिस लुकिंग गुड. बट सलीका जो उसको एक जो उसको रिस्पॉन्स देती है, वो उतना एक्साइटेड नहीं होता. सलीका सेज कि हाँ ये ठीक है, बट ये पैटर्न अगर यहाँ से थोड़ा ऐसा होता तो ज्यादा बेटर नहीं नहीं लगता, ये थोड़ा कलर थोड़ा सा ऐसा ऐसा लग रहा है. अब आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस ज्यादा क्या है? 100% नहीं होती प्रोबेबिलिटी का भी, चांसेस ज्यादा क्या है? क्या पूजा दूसरी ड्रेस को देखेंगी या इसे ही खरीद लेंगी, या दूसरी ड्रेस को कुछ देखने देखेंगे, चॉइस करेंगे? व्हाट डू यू थिंक सलीका? अब आपने तो अपनी राय बता दी उनको. व्हाट डू यू थिंक She will look for another dress or she will buy this dress only? Yes, Pooja. उसी को करोगी भाई. देखो प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला था ना, प्रोबेबिलिटी हमेशा नहीं होती, कभी कभी हमें जिद में भी होते हैं. मम्मी ने बोल दिया नीला, मैं तो यही लूंगा, यही यही यही, तो ऐसा भी होता है. वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में होता है, बाद में लगता पता नहीं क्या ये ले लिया, ठीक है ये ले लिया, ऐसा भी होता है कई बार. तो अच्छा सब लोग बताओ, तो ऑनलाइन पीपल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा आपका माइक ऑन कर देता हूँ, आप लोग माइक में आंसर कीजिए, ठीक है, एक एक करके बोल सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन हर चॉइस ऑफ चूजिंग हर ओन चॉइस ऑफ सिले. उन्होंने पहले कह दिया, मैं क्यों ऐसे बोलूं, कहीं कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए फिर. ओके देखो अच्छा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्या है? इफ शी इज अ नॉर्मल पर्सन, वो हो सकता है दूसरी चॉइस को देगी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है. ज्यादातर लोग को ऐसे ही लग रहा है. हाँ, दूसरा ड्रेस खरीदेंगी या देखेंगी, चॉइस चॉइस में रखेंगी. अच्छा मैं इस सिनारियो को चेंज कर रहा हूँ, अभी सिनारियो को थोड़ा उल्टा कर देते. देखो पूजा गोज इनटू द ट्रायल रूम वेरी एक्साइटेडली. व्हेन शी कम्स आउट, वो खुद थोड़ा डाइसी हो गई. कई बार होता है आप कपड़ा देख के अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद फिटिंग वगैरह नहीं समझ आ रही,
तो भारतीय क्या ड्रेस अच्छी लग रही है? ठीक ठीक लग रही है, मतलब ऐसे उन्होंने पूछा। तो सलीका वहां से बोलती है, वाओ व्हाट अ ड्रेस, ये बहुत बहुत अच्छी लग रही है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, पैटर्न बड़ा अच्छा लग रहा है, ये जो कलर है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम पे, चांसेस ज्यादा क्या है? अब शी विल बाय दिस ड्रेस और शी विल लीव दिस ड्रेस और शी विल लुक फॉर अनदर ड्रेस, चांसेस ज्यादा क्या है? अब बताओ पूजा, अब भी कर लेंगी, ले लेंगी ना, सिलेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ओके। या देखो दोनों कंडीशंस में अगर कुछ मूव हुआ, क्या क्या मूव हुआ? सेम कस्टमर, सेम ड्रेस, सेम टाइम ऑफ परचेज, व्हाटएवर कंडीशन, लाइक व्हाटएवर, जो भी जिस जिस ओकेजन पे पहनी, सब कुछ सेम है। चेंज क्या क्या यहाँ पे हुआ? इमोशंस चेंज हुए। यू बाय इमोशंस अटैच्ड विद द प्रोडक्ट, दैट इज वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन। ये एक बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज एक बार बताइए। विल चेंज द ड्रेस एज शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, यस। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये पॉइंट क्लियर है? इमोशंस, पीपल बाय इमोशंस, नॉट द प्रोडक्ट्स। और एक्सप्लेन करना तो बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे तो। नहीं, नॉट द प्रोडक्ट नहीं, पीपल बाय इमोशंस अटैच विद द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट तो चेंज हो सकता है, इमोशन चेंज नहीं होता, समझ में आया ना? आप ये प्रोडक्ट खरीद लोगे, ये प्रोडक्ट छोड़ दोगे बेस्ड अपॉन द इमोशन। हो सकता है ये वाले ब्रांड का खरीद लो, ये वाले ब्रांड का खरीद लो, प्रोडक्ट तो खरीद रहे हो, लेकिन कौन सा खरीद रहे हो? यू आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट, यू आर बाइंग द इमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना? जैसे आज अगर आप लोग, मतलब आज अगर किसी के पास 2 BHK है रहने के लिए, लेकिन वो रहने के लिए सफिशियंट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी डिजायर है, तो वहां ROI वाला गेम ही नहीं है। कोई 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 गेम नहीं है। लोग 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, कोई ROI वाला गेम ही नहीं है। अगर इतने ही इंटेलेक्चुअल माइंड चल रहा है तो आप बिल्कुल कैलकुलेटिव चलोगे ना, दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग, ये 3 साल में ये खर्चा आएगा, ये आएगा, तो ये तो मैं लॉस में हूँ या तो मैं छोड़ देता हूँ। समझ में आ रहा है? दिस डज नॉट हैपन। दैट इज वेयर द कंपनीज डू मार्केटिंग, ठीक है? थिंकिंग हैमरिंग करेगा, एब्सोल्यूटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं इमोशंस वाला पार्ट में, इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि 7-step formula में इमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ट्रिगर पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि 7-step formula क्या है जिससे आप हाईली टारगेटेड एड कॉपीज बनाना सीख जाएंगे। मेरे साथ साथ लिखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको किसी ब्रांड ने अप्रोच किया, आप हाईली टारगेटेड एड कॉपीज बनाना सीख जाएंगे। टारगेटेड एड कॉपीज, देखो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, इफ यू वांट टू लाइक क्रिएट अ हाईली टारगेटेड एड कॉपी, इज दैट यू नीड टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। ये वो ये सेगमेंटेशन वाला ही पॉइंट है, तो लिख लीजिए एक बार, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। पहले अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका जेंडर क्या है, उसका एज रेंज क्या है और इसके फाइनेंशियल्स क्या है, वही 3 चीजें पता होनी चाहिए कम से कम, ठीक है? ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में जब आपने अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लिया है, यू हैव टू डिफाइन 3 फीलिंग्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। 3 फीलिंग्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, ये वो फीलिंग है जो वो फील कर रहा है परचेज करने से पहले, फीलिंग, फीचर नहीं, फीलिंग, ठीक है? तो ये 3 फीलिंग कम से कम पेपर पे लिखनी है, इससे पहले आगे नहीं बढ़ोगे, ये ग्राउंड रूल है, ठीक है? 3 फीलिंग पेपर पे लिखनी है। अब जो फीलिंग आपने यहां लिखी है, उस जो बेस्ट फीलिंग लग रही है आपको, उससे आप एक हेडलाइन क्रिएट करोगे अपने एड की। क्रिएट अ हेडलाइन ऑफ योर एड एडवर्टीजमेंट, ठीक है? हेडलाइन, टाइटल, टैगलाइन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। एक और चौथा पॉइंट, यू हैव टू क्रिएट अ सब टाइटल एज वेल। हाँ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, ठीक है? देखो पहले ये, अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि हेडलाइन और सबटाइटल का काम क्या है। देखो जो हेडलाइन होती है ना, ये जैसे आपने कोई होर्डिंग देखते हो, आप किसी किसी स्ट्रीट पे जा रहे हो, कोई मार्केट में होर्डिंग लगा होता है कोई, तो होर्डिंग में जो वो बोल्ड सी लाइन होती है ना, जिसपे ध्यान जाता है आपका, ये वो हेडलाइन है। ये हेडलाइन का ना फॉन्ट बड़ा होता है कंपेरेटिव टू द साइज ऑफ द एड, इसका फॉन्ट बड़ा ही होता है। और ये जो हेडलाइन है, इसका काम है इमोशंस को कनेक्ट करना। इसी लाइन का काम है इमोशन को कनेक्ट करना, ये सीधा इमोशन से कनेक्ट करेगी ऑडियंस के, ठीक है? ये शॉर्ट होगी, ये बोल्ड होगी, ये शॉर्ट भी होती है क्योंकि ज्यादा
बोल्ड होती है तो फिर ज्यादा स्पेस बचता नहीं है ना, कम से कम शब्दों में हो सकता है कि ये इनकम्प्लीट भी हो सकता है, इससे बात क्लियरली पूरी समझ में ना आए, लेकिन ये इमोशन को करेक्ट करेगी, इसका काम ये है। सब टाइटल का फॉन्ट टाइटल से थोड़ा छोटा होता है लेकिन ये बात को कंप्लीट करता है, एग्जैक्टली बता देगा ये है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 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 बताएगा, इसका काम यही है, मतलब कोई लेफ्ट राइट सेंटर नहीं करना, सीधा प्रोडक्ट बताएगा ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल से एक ऐड बनाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज कॉल्ड सब टाइटल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो भी आप हेडलाइन सब टाइटल वगैरह बना रहे हो, ये इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, आसान लैंग्वेज में, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं होगी कि जारगन्स यूज नहीं करने हैं, हैवी वोकैबुलरी का यूज नहीं करना है, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में हम और आप बात करते हैं, ये रीजन टू रीजन चेंज हो जाता है। अब इसमें कोई हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु का भी कोई लेना देना नहीं है, जैसा रीजन है वैसी लैंग्वेज यूज होगी, ठीक है। अगर मुंबई में ही ऐड दिखाना है तो मुंबई वाली लैंग्वेज भी आप कर लो यूज, दिल्ली में ऐड दिखाना खाली तो दिल्ली वाली ऐड हो जाएगी, मतलब दिल्ली वाली लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो, हाँ मतलब वो छोड़ देना, जो वो मतलब जो वर्ड्स वगैरह यूज होते हैं दिल्ली में ज्यादातर, उसको छोड़ के बाकी आप एक प्रोफेशनल ऐड जरूर बना सकते हो, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि लैंग्वेज डजंट मैटर, सब टाइटल हो गया। अब इसके साथ आपको यू हैव टू चूज अ कोर रिलेटेड इमेज या वीडियो, जैसा भी ऐड है, जो बैकग्राउंड होता है ना ऐड का, ये 80% अटेंशन खींचता है, 80% आपका ध्यान जाता है। जैसे आप कहीं स्ट्रीट पे जा रहे हो, कोई आप बाइक से जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, तो आपका ध्यान जो जाता है ना ऐड पे, बैनर ऐड देखते हो आप वेबसाइट्स पे, ध्यान जाता है इमेज की वजह से, पढ़ते हो आप टाइटल को सबसे पहले, जो अट्रैक्शन खींचे, नॉट नॉट एग्जैक्टली फ्लैशी, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द ऑडियंस। अभी कैसे रिलेटेड होगा ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको, ये यू नीड टू चूज अ कोर रिलेटेड इमेज। सिक्स स्टेप, डू अ 6 सेकेंड टेस्ट, 6 सेकेंड का एक टेस्ट करेंगे हम। पहले 5 स्टेप्स में एड बन जाता है, आपने एड बना लिया, आप अपने लैपटॉप पे एड बन रहा है, किसी को भी दिखा दो 6 सेकंड के लिए, किसी को भी, 6 साल से ऊपर का इंसान होना चाहिए, 6 साल से ऊपर का बच्चा है या किसी भी एज ग्रुप पे आप दिखा दो, 6 सेकंड में हटा लो, फिर पूछो समझ में आया क्या था, उसे पता नहीं होना चाहिए क्या था। अगर उसने बता दिया कि ये है प्रोडक्ट, हाँ ये प्रोडक्ट का ऐड है, ये है प्रोडक्ट, तो वो अच्छा ऐड है। अगर उसने नहीं बताया, जरा सा भी लेफ्ट राइट हो गया, लग रहा है शायद ये है, तो अच्छा ऐड नहीं है, यू हैव टू रिक्रिएटेड, कुछ गलती हुई है ऊपर वाले 5 स्टेप्स में, ठीक है। सो यू हैव टू डू अ 6 सेकंड टेस्ट। सेवेंथ, एक और चीज, अब ये ध्यान से सुनना, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है, कंपनी बंद भी हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, ऐसे डरा नहीं रहा हूं, बट मतलब इतना तो एक्सट्रीम में नहीं होगा, बट कुछ ऐसा एक्सट्रीम में चले गए तो हो भी सकता है, नेवर नो, आजकल का जमाना ऐसा ही है, एक पोस्ट एंड एवरीथिंग कैन बी रूइंड, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनना, जेल वेल नहीं होगी, ऐसे घबराने वाली बात नहीं, तो ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है। राइट मैसेज एट द राइट टाइम टू द राइट ऑडियंस, ये लिख लो, अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर के बाद। राइट मैसेज एट द राइट टाइम टू द राइट ऑडियंस, ये मैच होना चाहिए आपका, ये जब तक मैच नहीं होगा, प्लीज एड को पब्लिश नहीं करना है, पब्लिश नहीं करना बिल्कुल भी एड को, ठीक है। स्पेशली जितना बड़ा ब्रांड है उतना ध्यान रखना है, क्योंकि नुकसान बड़े ब्रांड को ज्यादा होगा, जिसको कोई जानता नहीं है उसका तो नुकसान नहीं है, जिसको दुनिया जानती है उसका नुकसान ज्यादा है, समझ गए, विवेक बिंद्रा एंड संदीप महेश्वरी, राइट एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही 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 समय पर सही सही क्लास चल रही है, तो उसी का नुकसान होता है जिसकी जिसकी इमेज है बनी हुई, ठीक है। और इट कैन बी मॉनेटरी लॉस एज वेल, इट कैन बी साइकोलॉजिकल लॉस एज वेल, इट कैन बी एनीथिंग, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी आपको, पहले 7 स्टेप्स लिख लीजिए आप, अगर सबने 7 स्टेप्स लिख लिए तो एक बार डन लिख दीजिए, ताकि जब मैं अब स्टार्ट करूंगा एक एग्जाम्पल के साथ में, तो सबका ध्यान यहां होना चाहिए, किसी का ध्यान लिखने पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबने लिख लिया, ओके डन। अब हम एक ऐड बना के देखते हैं, क्या ये 7 स्टेप फॉर्मूला से कोई ऐड बनता है, कैसे बनता है, ये ध्यान से सुनना, ये आपका असाइनमेंट भी रहेगा आज प्रैक्टिस के लिए, ये मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। जैसे मैं एक ऐड बना के दिखा रहा हूं आपको, आपको कम से कम 3 बड़े ब्रांड के ऐड बनाने हैं पेपर पे, ऐसे ही नोट पैड पे या व्हाटएवर आपकी डायरी वायरी में, अभी उसको बिल्कुल क्रिएटिव बनाने की जरूरत नहीं है, क्रिएटिव वाली क्लास आगे होगी, कल हो जाएगी या नेक्स्ट वीकेंड पे होगी, तब आप उसको रियल फॉर्म दे देना, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। अभी ये समझते हैं पहले कि ऐड कैसे बनेगा। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस सबको पता है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं कि
अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एड बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे? डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, पहला स्टेप। देखो पहले ये बताओ आपको क्या लगता है, वैसे तो मेल फीमेल दोनों ही इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन ज्यादा परसेंटेज कौन से जेंडर का है? मेल? सबको यही यही लग रहा है, फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिलीज में अभी भी मेल्स की है, दिस इज द। अच्छा एक चीज और, ये जो आप ये कर रहे हो ना डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, ये फैक्ट होना चाहिए, दिस हैज टू बी अ फैक्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा था, मेरे को लगा तो मैंने ऐसे कर दिया, इससे काम चलेगा नहीं। मतलब आपको रिसर्च करनी है, या तो आपके पास आपकी कंपनी का डेटा है, आप ऑलरेडी रनिंग कंपनी, आपको पता है मेरी कंपनी का डेटा क्या है, मेरे को पता है जेंडर परसेंटेज कितना है, तो ठीक है, नहीं पता तो मतलब गूगल गूगल करो, रिसर्च करो सही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ऐसे एज्यूम करके नहीं, ऐसे नहीं कि कहीं छोटी सी न्यूज सुन ली उसके बेसिस पे काम करके। तो हाँ तो बाइंग, जो बाय कर रहा है वो तो जेंडर मेल ही हो गया ना, तो आपका आपका टारगेट ऑडियंस अभी मेल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल्स नहीं खरीदते हैं, बट जो ज्यादा परसेंटेज होता है उसके लिए अलग टाइप का एड बनेगा, तो यहाँ पे मेल आपका टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। अब अभी अभी हम और थोड़ा सा डीप में जाएंगे इसमें। अब ये बताओ किस एज में ज्यादा, किस एज रेंज में, रेंज कह रहा हूं मतलब जैसे 18 से 25 क्लोज होनी चाहिए वो, 40 to 60, 60 to 80, समझ में आ रहा नहीं, क्लोज होनी चाहिए, किस एज रेंज में लोग ज्यादातर अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं? 30 to 35। ओके जो भी आपको लगता है वो बताओ, अभी तो हम ऐसे ही खैर जो आपको समझ में आ रहा है वो बात कर रहे हैं। और कुछ ऑनलाइन पीपल, किस एज रेंज में ज्यादातर मेल्स अपना लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं? 30 to 45 सलीका। ओके ऐसा ही लग रहा है सबको, 40। रोहित ये ना ये क्लोज होनी चाहिए, मतलब ऐसे तो 40 एंड अबव हो जाएगा, 30 नहीं, जब रेंज की बात कर रहे हो इट शुड स्टार्ट एंड इट शुड क्लोज, जैसे 30 to 40, 30 to 45, ठीक है। क्योंकि अगर मैं खाली 30 बोलूंगा तो मुझे लगेगा 30 एंड अबव मतलब 18 मतलब 80 90 ईयर्स तक, वो नहीं। तो यहाँ पे एज रेंज हम 30 to 45 ले लेते हैं, ठीक है, जो कि फैक्ट डेटा भी यही है, फैक्चुअल भी यही है। अगर आप ऐसे देखोगे तो 30 to 45 ईयर्स के मेल्स अपना लाइफ इंश्योरेंस इस एज में करा लेते हैं। फाइनेंशियल्स मिडिल क्लास ही ले लेते हैं फिलहाल, क्योंकि आर्स इज अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री, ज्यादातर लोग इस एज इस कैटेगरी में हैं, तो ठीक है ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, देखो गाइज आपको अगर इमोशन तक पहुंचना है किसी किसी ऑडियंस के, तो उसे एक रिलेशनशिप का फॉर्म दो, उसको एक रिलेशनशिप का नाम देना पड़ेगा, आपको उसके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या वो क्या है, वो कौन है। अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान देना है आपको, इसकी कोई टूल नहीं है, ये करने का कोई टूल नहीं है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर, यू कैन नॉट एंड नो टूल कैन टेल द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर। हाँ वो ये तो बता सकता है कि वो बाइंग जर्नी में कहाँ है, कि वो ऐड टू कार्ट करके चला गया, हाउ मेनी पीपल डिड ऐड टू कार्ट, हाउ मेनी पीपल बॉट द प्रोडक्ट, ये तो रहेगा। कस्टमर की साइकोलॉजी जानने का कोई तरीका नहीं है, ये एज अ ह्यूमन टच आपको ऑब्जर्व करना है या पूछना है, बात करनी पड़ेगी। देखो क्या है, अगर ये कस्टमर मेल है और 30 से 45 के बीच में, तो ये मैरिड होगा। सर माय इंटरनेट वाज डिसकनेक्टेड, प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग वीडियो। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, यहां से ध्यान दो, ठीक है। तो मैरिड होगा वो, ज्यादा लोगों की शादी हो जाती है इस एज रेंज में, मैरिड है तो हो सकता है वो पेरेंट भी हो, ठीक है, ज्यादातर लोग इस एज में पेरेंट्स भी बन जाते हैं, तो ही इज अ हस्बैंड एंड ही इज अ फादर। किसको ऐड दिखाना है हमें? हमें एक 30 से 45 साल के आदमी को ऐड नहीं दिखाना है, हमें एक फादर को ऐड दिखाना है। इमोशन क्लियर हो गया? हमें एक हस्बैंड और एक फादर को ऐड दिखाना है, फैमिली मैन को ऐड दिखाना है, समझ आ रहा है? और अगर दोनों इमोशंस को कंपेयर करें तो ज्यादा इमोशन इसमें है, अगर मदर और वाइफ की बात करें तो ज्यादा इमोशन मदर वाले रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे हमें फादर को ऐड दिखाना है, समझ आ गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगर इसको थोड़ा चेंज करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हो, इसके बेस पे इमोशन निकल के आएगा। अगर ये स्कूटी का ऐड होता तो जेंडर क्या होता? मेल फीमेल दोनों चलाते हैं ऑब्वियसली, जेंडर क्या होता? मैक्सिमम परसेंटेज फीमेल्स की है। स्कूटी बाइक होती तो, बुलेट होती तो मेल, समझ में आ रहा ना आपको, तो देर इज अ डिफरेंस। स्कूटी का ऐड है, ठीक है, एज रेंज क्या होती, किसी किसी कंपनी की एज रेंज क्या होती, जैसे वट एवर एक्टिवा है, स्कूटी पे जो भी आती है कंपनीज,
एज रेंज ऑफ द फीमेल्स हु विल बाय द स्कूटी? 12? अरे 18 साल की? 12 ज्यादा कम नहीं हो गया? 22, 18 ईयर्स एंड अबव जब ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है आप ऐसे, मतलब ठीक है वैसे 15-16 साल के भी चलाने स्टार्ट, नहीं चला इतनी कोई बात नहीं, मजाक वाली बात हो रही, वो तो खैर लोग चलाने को तो लोग किसी भी एज पे चला ही लेते हैं, बट अगर हम वैसे अगर हम जेनविनली बात करें तो 18 to 30, 35, ठीक है 16 से भी बोल सकते हो, बट वो वैलिड नहीं है वैसे तो टेक्निकली, ठीक है। तो यहाँ पे एज होती है 18 to 30, 35 यंग फीमेल्स। एड याद है वो आपको स्कूटी पेप का, प्रियंका चोपड़ा वाला एड आता था एक, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? अगर नहीं याद है तो यूट्यूब करके देख लेना, अगर किसी को किसी ने नहीं देखा तो, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, कि बॉयज ही क्यों सारा फन करें। तो वो टारगेट कर रहे थे स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, लाइक स्कूल स्कूल गर्ल्स को, स्कूल गर्ल्स या कॉलेज 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 गर्ल्स को, करेक्ट। उनके जो डिजाइन थे स्कूटी के वो भी फीमेल ओरिएंटेड थे, पिंक कलर के वो फ्लैशी कलर्स, वो थोड़े आते हैं ना थोड़े चमकीले कलर्स इस टाइप के, तो इस टाइप के कलर्स की भी थी स्कूटीज, और उन्हीं के ट्रेंड्स के हिसाब से, बिकॉज दे वुड वॉन्ट टू हैव फन एंड वॉन्ट टू गो आउट विद द फ्रेंड्स एंड एवरी वन, दैट इज वॉट दे टारगेटेड ऑन, ठीक है। ऐसे करके आप किसी भी प्रोडक्ट का लाइक टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो, तो और उसका मतलब वो एक एक काइंड ऑफ ये निकाल सकते हो कि इसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस केस पे वापस आते हैं, फादर को ऐड दिखाना है, अब फादर को ऐड दिखाना है, फादर को लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, उसके इमोशंस बताओ, फादर के क्या इमोशन होंगे जब वो लाइफ इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं, खरीदा नहीं है अभी तक, शोरूम में होता है ना कस्टमर लाइक, और मतलब साइन करने वाला डॉक्यूमेंट पे उससे पहले। हाँ तो बताओ कुछ बोल रहे थे अभी आप? ओके, फैमिली की जिम्मेदारी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ आपको जो लग रहा है बताओ। स्टडीज, ओके, फ्यूचर स्टडीज, ओके, फ्यूचर स्टडीज, ठीक है, फ्यूचर स्टडीज या फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोल सकते हैं ना इसको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और कुछ? फैमिली केयर, यस करेक्ट, ओके, बिग फंड ड्यूरिंग द मिस हैपनिंग, करेक्ट, ओके, हाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आ गया। और कुछ? और कोई फीलिंग है इस प्रोडक्ट को लेते समय? स्ट्रेस रिलीव कर देगा, यस ओके, स्ट्रेस रिलीव करेगा, तो इसमें फियर वाली फीलिंग है, वही बोल रहे हैं स्ट्रेस फियर प्रोडक्ट ही ऐसा है। इफ आई एम अ फादर तो मुझे लगेगा कि भाई एक नहीं मोड़ में मुझे कुछ हो गया तो बच्चे छोटे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स अलग है। देखो अब क्या होता है ना, कई प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा है जैसे आप इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट वाला जोड़ के यूलिप वगैरह कर देते हो, तो ये नहीं, इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस फर्स्ट, तो प्रोडक्ट क्या है वो पहले समझना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो एक अलग चीज हो गई, इट इट मीन समथिंग हैपेंस टू मी द सम विल गो टू द फैमिली, तो फियर वाली फीलिंग है, लेकिन फियर इज अ नेगेटिव इमोशन, आपको इस इमोशन को यूज नहीं करना है। अगर ब्रांडिंग करनी है तो, सेल्स करनी है तो लोग करते हैं, लोग अभी भी करते हैं, आप ऐड देखोगे कुछ ना कुछ जैसे रोने धोने वाले ऐड है मार्केट में, ठीक है। तो लेकिन वो फियर वाली फीलिंग को थोड़ा अवॉइड करो, ये नेगेटिव इमोशन जब होता है ना तो कस्टमर थोड़ा मतलब उसको मैसेज तो क्लियर हो जाएगा लेकिन वो डिसकनेक्ट होगा आपके ब्रांड से। अगर कोई 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 सेल्स पर्सन ऐसा है जो बहुत नेगेटिव चीजें बोल बोल के आपको माइंड कन्विंस करने में लगा हुआ है, तो आप उससे थोड़ा सा दूरी दूरी भागोगे। आपको प्रोडक्ट क्लियर है, आप ले लोगे किसी और से जाके, उससे बात करने का मन नहीं करेगा आपका, तो आप ब्रांड नहीं नहीं बन सकते हो बेस्ड अपॉन दिस फियरफुल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। हाँ स्ट्रेस रिलीव भी एक मतलब ये भी एक, ठीक है स्ट्रेस रिलीव, ओके। तो दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं जो आपको समझ में आ रही है, एक फादर को मैसेज देना है। अब आप इन फीलिंग्स के बेसिस पे सेल्फ डिपेंडेंट, यस करेक्ट, ठीक है, यू क्रिएट अ हेडलाइन नाउ। फादर को एक मैसेज देना है, ध्यान से सुनना, कोई शायरी करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपको कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो, आप हम सब ह्यूमंस हैं, हमको एक मैसेज देना है। अगर किसी को आप अपने दोस्त को समझाओगे तो समझाओगे कैसे, जैसी लैंग्वेज में समझाओगे वैसे वैसे समझा सकते हो आप। जैसे ये ना LIC कंपनी की जो एक एक टैगलाइन है, LIC कंपनी की टैगलाइन है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसा कुछ मैसेज देना है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, मराठी, कुछ भी चलेगा, जैसा रीजन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक हेडलाइन बनाओ, इन फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए क्या मैसेज देना है फादर को, बताइए, ट्राई करो, ट्राई इट आउट, सब लोग ट्राई कीजिए, दो 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 चार मिनट जो लेने हैं, और यहाँ पे टाइप
टाइप करना है आपको, ठीक है? जब तक लेट मी डू जस्ट वन थिंग क्विकली. एक मैसेज देना है फादर को, और ये आज आपको करना है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. ये प्रैक्टिकली ही कर रहे हैं हम. सोचो और बताओ. कुछ आया दिमाग में? ऑनलाइन पीपल, कोई एक वर्ड पिक करो इसमें से. जो आपने ये वर्ड्स लिखे हैं इन्हीं में है फीलिंग्स ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. जिम्मेदारी वर्ड को पकड़ के एक लाइन बना दो. फादर को एक मैसेज देना है जिंदगी भर का साथ. ओके, वेरी गुड. जस्ट जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. आई एम जस्ट मेकिंग सम चेंजेस हेयर एंड तब तक आप बाकी लोग सोच लीजिए. ओके सलीका, वेरी क्विक एंड वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्पी. डोंट फियर व्हेन एलआईसी इज हियर. वेरी गुड. ओके, मेक सेंस. कल का ख्याल, वेरी नाइस आदेश. फीलिंगफुल है बहुत. जिंदगी भर का साथ, ओके, गुड वन. देखो अब इसमें टैगलाइन कैसी आएगी. जैसे सलीका ने तो लिख दिया डोंट फियर व्हेन एलआईसी इज हियर, तो एलआईसी इज हियर मतलब वो बात कंप्लीट हो गई. समझ में आ गया अब क्या है. लेकिन अगर मैं खाली ये लिख दूं कल का ख्याल, कैसे समझ में आ. तो नीचे अगर आप टैगलाइन लिखोगे यहाँ पे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट, मे बी, तो ये बात को कंप्लीट कर दे रहा है. जिंदगी भर का साथ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको. ऐसे ही आप लोगों को एक हेडलाइंस क्रिएट करनी. जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर को एक मैसेज देना है एक जिम्मेदार पिता के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पिता हूँ. कंपेनियंस टिल द एंड. ठीक है, हाँ ये भी ठीक. जितना इमोशन को कनेक्ट करोगे उतना बेटर है. Forever companions, till the end थोड़ा सा लग सकता है, एंड आपके आखिरी स्तंभ तक या उसके बाद भी. ठीक है, तो हाँ forever companions looks fine. Okay. ठीक है, देखो ऐसे भी कर सकते हो इसमें. और थोड़ा सा अगर और इमोशन डालना है तो फादर का इमोशन पकड़ो, जैसे फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप. ठीक है, अब फादर ये एक ऐसा, आप ऐसा इमेज दिखा सकते हो. अभी इमेज भी यूज करनी है ना पीछे. वैसे जनरली इसमें इमेज ऐसी आएगी कि फैमिली इमेज. ठीक है, फैमिली इमेज ही आएगी ना इसमें. यस और नो, समझ में आ रहा है. अब इसमें ऐसा भी दिखा सकते हो जैसे फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप. फादर ऑब्वियसली ग्रेड आउट हो गए, बड़े हो गए, बेटी का कन्यादान हो रहा है, तो फादर कन्यादान कर रहे हैं. तो ऐसा मेरा आशीर्वाद सदा के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग दिस पॉइंट. ये इमोशनल वो मोमेंट्स हैं एक फादर की लाइफ में. बच्ची छोटी है ना, उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं उसको. ऐसा इमेज दिखा सकते हो. बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब बारिश हो रही है, लेकिन फादर ने अम्ब्रेला बच्चों के ऊपर कर रखा है. वो खुद भी ऑफिस अटायर में है लेकिन खुद भीग रहा है, लेकिन बच्चों को लाइक प्रोटेक्ट किया हुआ है. या ऐसा कर सकते हो जैसे लाइक फैमिली इमेज है, लाइक फादर मदर बैठे हुए, बच्चे नीचे काउच पे हैं और वो खेल रहे हैं. हैप्पीनेस दिखानी है. सो दैट इज वेयर व्हेन यू कनेक्ट विद दीज इमेजेस, तो ये एक हाईली टारगेटेड एड बनेगा. बात समझ में आ रही सबको. तोहफा जिंदगी का, वेरी नाइस, विद LIC, वंडरफुल. ठीक है, आदेश बहुत ही इमोशन वाले इंग्रेडिएंट्स को डालते हुए एड्स को बना रहे हैं. गुड वन. ठीक है, बाकी सब लोगों ने भी अच्छा ट्राई किया है. समझ में आ रहा है. देखो आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोग कर रहे हैं, कैसे आपको एड्स को जनरेट करना है, क्रिएट करना है. अब सोचो अगर ऐसा एड है जहां पे ऐसा लिखा हुआ है तोहफा जिंदगी का LIC के साथ, या विद LIC, जैसे भी आप लैंग्वेज में यूज कर रहे हो, और एक फादर है, एक मतलब एक लाइक मे बी फादर अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं, व्हाटएवर, विदाई चल रही है, ये थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल वाले मोमेंट्स हो जाते हैं. तो अगर आप ऐसा लाइक अपने ऐसे एड्स में दिखा रहे हो, एक चीज सोचो अगर ऐसा होर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है, और फादर वहां से बाइक से या स्कूटर से या गाड़ी से कैसे भी निकल रहे हैं, मेट्रो में निकल रहे हैं, होर्डिंग लगा हुआ है. अब वैसे जनरली अगर आप होर्डिंग पर को देखते हो तो कितने सेकंड्स का खेल है ये होर्डिंग वाला. लाखों रुपए इनके रेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनीज देती हैं. हाउ लाइक व्हाट डू यू थिंक, कितने सेकंड का ये गेम है? 4 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. 4 सेकंड तक आप सामने सड़क छोड़ के ना बाइक चलाते हो कहीं और देखना. 3 सेकंड में ही काम हो जाएगा. हार्डली 1 सेकंड टू 2 सेकंड्स मैक्सिमम, दूसरा सेकंड के तीसरा सेकंड पॉसिबल नहीं है. ये एड्स इतने हाईली टारगेटेड होते हैं कि अगर एक फादर उस होर्डिंग के नीचे से निकल रहा है ना, तो वो एक झलक में समझ जाएंगे कि क्या है एड.
एक एक झलक में मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं खाली बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि एक सेकंड के भी 1/10 हिस्से में भी काम होता है। देखो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दीज एडवर्टीजमेंट्स। देखो जो एक वर्ड होता है टेलीपैथी, टेलीपैथी वर्ड सुना है आप लोगों ने? जैसे आप लोग अपने दोस्त को फोन करने वाले होते हो और वहां से उसका फोन आ जाता है, तो आप फटाफट, हाँ उसे फटाफट आप बोलते हो कि यार बस अभी तेरे को ही करने वाला था, अभी तेरी ही बात चल रही थी। ऐसे नहीं होता, कई बार मदर्स के साथ होता है सबसे ज्यादा, मदर्स के साथ होता है। जैसे बच्चे बाहर हैं, आप लोग बाहर हो, आप लोगों की मदर्स घर में है, आप लोग मतलब कई बार बच्चे दूसरे देश में भी जाते हैं पढ़ने, तो मदर्स को ना एक एक मतलब एक सेंस हो जाती है कि समथिंग इज रॉन्ग विद माई चाइल्ड, की थोड़ी घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है, और मदर्स आपको फोन भी कर देती हैं। यूजुअली वो लोग ठीक होती हैं, यूजुअली कई बार मदर्स करेक्ट होती हैं कि देर इज अ प्रॉब्लम विद द चाइल्ड। इसको टेलीपैथी बोलते हैं। व्हेन यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट तो एक फिर भी एक मतलब नॉन लिविंग भी होता है, बट एटलीस्ट विद अ लिविंग ऑब्जेक्ट, तो आप जब एक किसी से जब आपके जहां इमोशन आ जाते हैं ना, वहां पे आप इमोशनली बॉन्डेड हो। मतलब जब एक मदर को इतनी दूर से समझ में आ जाता है, तो झलक में जब कोई चीज सामने आएगी तो वो ब्रेन कैच कर लेता है। आप अपनी लाइफ में के जिस हिस्से में इमोशनल हो, आपका ब्रेन वहां सुपर एक्टिव और रिएक्टिव है। सुपर एक्टिव भी है, रिएक्शन भी बहुत तेज आता है, आपको गुस्सा भी आ जाएगा कुछ अगर ऐसी बात हो, जल्दी से गुस्सा आएगा है ना, जल्दी से इमोशन वैसा भी हो जाएगा, बिकॉज यू आर लाइक इमोशनली कनेक्टेड। दैट इज वेयर इमोशंस को हमें टच करना होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? ये हाईली टारगेटेड एड्स होते हैं, 1 सेकंड में अपना अपना मैसेज दे देते हैं। दूसरे के लिए टारगेटेड है कि नहीं है वो जरूरी नहीं है, टारगेट ऑडियंस के लिए ये इमोशनली कनेक्टिंग एड्स होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यस और नो एक बार प्लीज बताएंगे, यस नो मे बी। ऑनलाइन पीपल सबको क्लैरिटी मिल रही है? रॉली यस, ओके, सलीका, आदेश, नेहा, आप सबको समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अब आपको हम एक और स्टेप पे लेके चलते हैं। ऑब्वियसली डू अ सेकंड टेस्ट, किसी को भी दिखा दो। अब मैं उसको ऐड दिखा रहा हूँ, वो कन्यादान वाला, वो कह रहा है मैट्रिमोनियल का ऐड लग रहा है, तो ये गलत ऐड है ना? उसको लगना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस का ऐड है, तो फिर ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। यू हैव टू रिक्रिएट इट, दिस वन राइट मैसेज एट द राइट टाइम टू द राइट ऑडियंस। मैं आपको नेक्स्ट अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी मिल गई कि नहीं? पहले इतना बताइए यस और नो यहां तक। अब आपको ना मतलब अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी 10-10 1 मिनट और, 10-15 मिनट और, बट आपको 3 एडवर्टीजमेंट बनाने हैं, किसी ब्रांड के बनाना, बड़े ब्रांड के। ठीक है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स के आप एड्स ऑलरेडी देख चुके हो। मैं ब्रांड्स के इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो आप एडवर्टीजमेंट देख चुके हो, तो आपको एक एक लेवल पता है, इस लेवल से ऊंचा ऊंचा बनाना है मेरे को, इस लेवल तक का तो बनाना है। और ये सोच के बनाना कि आपका इंटरव्यू चल रहा है उस कंपनी में, और उन्होंने आपको बोला एक एक एड बना के दिखाना जरा, तो कैसे कैसे बनाओगे? 7 जो स्टेप्स है ये, ऐसे ही पेपर के ऊपर एक एक करके लिखते हुए चलना। ठीक है, और आपका एक ग्रुप बन जाएगा, या बन भी गया होगा शायद, तो उस ग्रुप के अंदर फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप, उसके अंदर फोटो खींच के भेज देना, ताकि आपको फीडबैक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 3 ब्रांड्स के लिए करना है, प्रैक्टिस है आपकी। अगर आपका बिजनेस है किसी का, तो आप अपने बिजनेस के लिए भी बना सकते हो, बिजनेस प्रोडक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब एक चीज और, मैं आपको एक ऐड दिखा रहा हूँ, ठीक है, बता नहीं रहा हूँ किस चीज का ऐड है, ऐड देखना और मुझे बताना क्या ऐड है, किस चीज का है। 5 सेकंड बाद हटा लूंगा। ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन पीपल किस चीज का ऐड है पहले आप लोग बताइए, आप लोग बताओ पहले, मैंने आपका माइक ऑन कर देता हूँ। हाँ जी, किस चीज का ऐड है? वॉशिंग मशीन, दोबारा बनाना पड़ेगा एरियल को। वॉशिंग मशीन का नहीं है, डिटर्जेंट का ऐड है। दोबारा देख लो, कोई 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 बात नहीं, इट्स ओके, दैट इज वेयर वी आर लर्निंग। देखो लिखा है ना, मतलब उनका बात कहने का वही था कि वो कपड़े धोने वाली वाली बात है। ठीक है, वाई इज लॉन्ड्री ओनली अ मदर्स जॉब, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो मदर इज सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन के इसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किस चीज की बात हो रही है ये भी समझ में आ गया, कपड़े धोने की बात हो रही है। वाई इज लॉन्ड्री ओनली अ मदर्स जॉब, ये भी समझ में आ गया। देखो क्या है एड कैंपेन, समझ में आ गया। ऊपर क्या हैशटैग लिखा हुआ है, हैशटैग शेयर द लोड, कौन से लोड की बात हो रही है, समझ में आ गया? ठीक है, इसी कैंपेन, ये अवार्ड विनिंग कैंपेन है, बहुत अच्छा अवार्ड विनिंग कैंपेन है। पहले 2017 में आया था, फिर 2020 में भी दोबारा से उन्होंने रोल आउट करना स्टार्ट किया था, लॉकडाउन में भी। ठीक है, अब इसी कैंपेन का दूसरा एड देखो, हैशटैग शेयर द लोड विद एरियल, और कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधा बस लिखा हैशटैग शेयर द लोड, फादर हेल्पिंग आउट मदर, पता हो रहा है किस चीज के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं,
फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लरी है, मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए. वुड यू मैरी योर डॉटर टू समवन हु वुडंट शेयर द लोड. नीचे लिखा है डैड्स हैशटैग शेयर द लोड, समझ में आ गया. ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको मीम्स तो नहीं बोलेंगे, मीम्स तो थोड़ा मजाक वाले एंड पे हो जाता है, बट इट्स अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड ऑन देयर सोशल मीडिया एज वेल. इट सेज 73% ऑफ मैरिड इंडियन वुमेन फील अ मैन प्रायोरिटाइजेस रिलैक्सिंग ओवर हेल्पिंग विद हाउसहोल्ड कोर्स. दिस इज समहाउ ट्रू. दूसरा ऐसा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, 85% ऑफ वर्किंग इंडियन वुमेन फील दे हैव टू जॉब्स, वन एट वर्क एंड अनदर एट होम. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. 76% of Indian men feel laundry is a women's job. Somehow true. अब आप मुझे एक चीज बताइए, सभी लोग आप जो ये अभी एड्स देख रहे हो, आप सब लोग मेल फीमेल सब हो उस रूम में, ठीक है. अब मुझे बताना कि जब ये आपने मैसेज पढ़ा तो आपको ऐसी मतलब कैसा लग रहा है ये मैसेज पढ़ के कि हाँ बात तो ठीक है, ऐसे वाला मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ बात तो ठीक है, वाइज लॉन्ड्री ओनली ओनली वुमेन्स जॉब है ना. नहीं वो एक एक ही कैंपेन का है, वो एक ही कैंपेन का, बट क्या आपको अंदर से ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ बात तो ठीक है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट्स, या आपका सोचना थोड़ा अलग है. पहले इतना बताओ, इफ यू एग्री टाइप यस, इफ यू एग्री देन टाइप यस और से यस इन द चैट बॉक्स. ये बात आ रही समझ में सबको, ठीक है. अगर आप इन सब मैसेजेस को इजिली एब्जॉर्ब कर रहे हो और आपका ओपन माइंड है, यू आर द राइट ऑडियंस. You are the right audience. You have the capacity to take up new things or to change your thing. तो आज के टाइम में राइट ऑडियंस हो आप. 2017-2020 में भी देखा होता तो भी ठीक होता है. 2020 में ऐड आया था, लेकिन अगर और 10-15 साल पहले आया होता तो क्या ये ठीक ऐड होता, मे बी मेजोरिटी लोगों के लिए. शायद तब मेजोरिटी लोगों के लिए ठीक ऐड नहीं होता शायद, ठीक है. तो ये भी एक पॉइंट है. टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स. तो राइट ऑडियंस एंड द राइट टाइम हो गया, ठीक है. टाइमिंग भी देखनी है एंड द राइट मैसेज. मैसेज मतलब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कंटेंट का यूज हो रहा है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना. अब कंटेंट यहाँ पे तो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से लिखा गया है कंटेंट, ये अगर लेकिन बहुत ही हार्श हो जाता, यू मैन डोंट अंडरस्टैंड, ऑल मैन आर सेम, तो ये भी थोड़ा सा हार्श हो जाता. तो उन्होंने अपनी टोन को एक न्यूट्रल टोन रख के बात करी है. दैट इज वेयर स्पेशली अगर आप आगे चल के लाइक आप लोग सोशल मीडिया लाइक सीखोगे, आप लोग सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह हैंडल करोगे, ठीक है, और आपको कोई पॉलिटिशियन का पेज मिल गया अगर, तो वहां आपको न्यूट्रल रहना है, समझ रहे हैं. आपकी टोन वगैरह, यू हैव टू बी रियली रियली थॉटफुल, समझ में आ रहा. देखो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल. आप लोग जब सोशल मीडिया मैनेजमेंट करेंगे, आप लोग अगर क्लाइंट्स बनाओगे, तो आपके आपके पास पॉलिटिशियंस भी होने के चांसेस है. कोई पॉलिटिशियन है, कोई आपका लोकल पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, कहीं आगे चल के पॉलिटिकल कैंपेन्स के भी आप पूरा पेज ही आप बना रहे हो. यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स. यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, मे बी आप अपना खुद का ही एक इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट कर रहे हो, पोस्टिंग्स डाल रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि वन नेगेटिव थिंग कैन गो रियली वेरी फार. समझ में आ रहा है. तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रांडेड कैंपेन. इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ राइट मैसेज एट द राइट टाइम टू द राइट ऑडियंस. अच्छा ब्रांडेड कैंपेन कैसे है, देखो पूरे. अच्छा इसका इसका टारगेट ऑडियंस कौन है, जेंडर. जेंडर कौन है, एरियल का, एरियल डिटर्जेंट का टारगेट ऑडियंस कौन है जो परचेस करता है, फीमेल्स. सबको यही लग रहा है ना, ठीक लग रहा है, विमेन फीमेल. अब आपको क्या लग रहा है, ये एड्स फीमेल्स देख रही हैं, ध्यान से सुनना. और वो जाती हैं लाइक किसी ग्रोसरी स्टोर पे, अब वो देख रही हैं ऐसे लाइक वाइज लॉन्ड्री ओनली अ मदर्स जॉब, डैड्स हैशटैग शेयर द लोड, 85% ऑफ लाइक फीमेल्स फील दिस दे हैव टू जॉब्स. अब वो जा रही हैं ग्रोसरी स्टोर पे, वो जाके बोले भैया एक डिटर्जेंट दे दो, भैया बोल रहे मैम कौन सा दूं, एरियल दूं, सर्फ एक्सेल दूं, निर्मा, टाइड, व्हाटएवर जो भी आता है. आपको क्या लगता है ज्यादातर फीमेल्स के दिमाग में सबसे पहला कौन सा नाम स्ट्राइक करेगा ऐसे एड्स देखने के बाद? हाँ जी एरियल, व्हाट डू यू थिंक? फीमेल्स छोड़ो, मेल्स को भी एरियल ही आएगा यार, समझ में आएगा, जो सस्ता होगा. नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है. देखो पूरे कैंपेन में कहीं पे भी ये बात नहीं करी कि मेरा डिटर्जेंट बेटर है ना, एक वो कंपैरिजन नहीं दिखाया, कैसे बाल्टी में दो दो के दिखाते हैं ना कि देखो तो आधे घंटे बाद रिजल्ट्स, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कि 30% एक्स्ट्रा, 30% कम, 200 ग्राम एक्स्ट्रा, एक जार के साथ ये जार फ्री, कुछ नहीं. प्योर ब्रांडेड कैंपेन सर्फ एक्सेल. देखो अब ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बोला ना प्रोबेबिलिटी काम करती है मार्केटिंग में, 100% नहीं होता कुछ भी. जैसे अगर आप जितने मर्जी एड्स दिखा लो, ऐसा तो नहीं है 100 में से 100 कस्टमर आपके जाएंगे, जितनी फीमेल्स अगर 100 फीमेल यहाँ पे है तो सबके पागल हो जाएंगे कि हाँ एरियल, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा.
लेकिन मेजोरिटी फीमेल्स के ब्रेन में ये स्ट्राइक करेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? राइट मैसेज एट द राइट टाइम टू द राइट ऑडियंस, और इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। कोई मतलब आप अगर एक ब्रांडिंग कर रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि आपको अपना कंपैरिजन दिखाना है मार्केट में। इवन इफ यू आर नॉट कंपेयरिंग योरसेल्फ, स्टिल देयर विल बी गुड थिंग्स हैपनिंग टू यू। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? प्लीज लेट मी नो यस और नो। ऑनलाइन पीपल समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके, ठीक है, ग्रेट। सो आई थिंक वी आर गोइंग वेल। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, मे बी 5 मिनट और, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज वेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, एक और स्ट्रैटेजी होती है ब्रेन हैक, मतलब ब्रेन को हैक कर लेना, कस्टमर के ब्रेन को हैक कर लेना। ठीक है, अब वो हैकिंग ऐसे नहीं कि उसे कुछ उसे हिप्नोटाइज करना है, ऐसा नहीं, बट आप अगर अपने ब्रांड के नाम को कस्टमर की लाइफ में किसी एक्शन से या वर्ड से जो वो डेली यूज करता है रिप्लेस कर सकते हो अपने ब्रांड के नाम को, तो आपकी रिकॉल वैल्यू बहुत हाई है, बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाले हो या बन गए हो। रिकॉल जनरेट करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुनो। अगर आपने अपने अपने ब्रांड के नाम को कस्टमर की किसी हैबिट से या उसके डेली मतलब एक्शन से या वर्ड से शब्द से रिप्लेस कर दिया अपने ब्रांड के नाम को, तो आपका ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो गूगल कर लो, ऐसे ही बोलते हैं ना, किसी को कुछ सर्च करनी होता है बोलते गूगल कर लो। गूगल कर लो क्या होता है? सर्च कर लो होता है ना, गूगल कर लो क्या होता है? गूगल कौन सा एक्शन है ना, तो हम बोलते हैं गूगल कर लो। इंडियन होम्स में अभी भी बोला जाता है कोलगेट कर लो, है ना, कोलगेट कर लो, टूथब्रश मत करो, कोलगेट को करके आओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको नूडल खाने होते हैं, आप बोलते हैं मैगी खानी है, तो मैगी इज अ साइनोनिम फॉर नूडल्स, गूगल इज अ साइनोनिम फॉर सर्च नाउ। एक और एड आया था अभी, ये फॉग वाला एड, फॉग वाले एड्स देखे ना आप लोगों ने? फॉग वाले एड में ऐसी होता है ना, जैसे वो कैसे हम कोई मिलता है ना, बोलते हैं और बता भाई और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, तो उन्होंने से और क्या चल रहा है कोई पकड़ के इन्होंने पूरा एक कैंपेन बना दिया, और बताओ और क्या हो रहा है मिश्रा जी, है ना, फॉग ही चल रहा है, और क्या चल रहा है, यही यही चल रहा है। तो इन्होंने ये पकड़ के पूरा कैंपेन बना दिया, बिकॉज दिस इज अ हैबिट ऑफ पीपल, दे से दिस व्हेनेवर दे आर टॉकिंग ऑन द फोन और व्हेन दे मीट समवन। समझ में आ रहा है? इसे ब्रेन हैक बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, गूगल इट, स्काइप इट, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर दो, फोटोशॉप दिस पिक्चर, पेप्सी, यही राइट शो, ये बहुत पुराना कैंपेन था, अभी भी ये खैर इस पे हैप्पी बर्थडे भाई 96 में ऐड आया था, 1996 में, पेप्सी यही है राइट चॉइस बेबी आहा, ऐसे करके था। सचिन तेंदुलकर एंड एट वन मोर गाय वाज अ ब्रांड एंबेसडर एट दैट टाइम। देखना है तो आप लाइक देख सकते हो अपने लाइक मे बी यूट्यूब चैनल, अगर आप करोगे यूट्यूब पे आपको सर्च करना दिख जाएगा आपको। टाटा देश का नमक, अच्छा एक चीज और, टाटा देश का नमक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी काम करती है। टाटा देश का नमक जैसे मान्यवर पहनो अपनी पहचान, दिस इज ऑल्सो लाइक ये आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे रहा है। ठीक है, बजाज स्कूटर हमारा बजाज, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लैरिटी मिल रही है ना कि किस तरीके से अमेजोन अपनी दुकान, अमेजोन की एक्चुअल टैगलाइन पता क्या है? अमेजोन की एक्चुअल टैगलाइन है ए टू जी शॉप। वो जो एरो दिख रहा है अमेजोन के नीचे से ऐसे जाता है उन लोगों पे, वो ऐसे ए से जेड पे जाता है, तो दिस इज ए टू जी शॉप, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। इंडिया में आए तो उन्होंने टैगलाइन चेंज कर दी, आपकी दुकान अपनी दुकान, ताकि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो गाइस, इस तरीके से अगर आप कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हो दिस ऑल्सो वर्क्स। स्पेशली ये रेडियो के एडवर्टीजमेंट्स में बहुत ज्यादा होता है, रेडियो पे एड सुनते हो ना, तो आपने देखा होगा अगर 5 सेकंड 6 सेकंड का एड है, वो 5-6 सेकंड में 2-3 बार ब्रांड का नाम लेते हैं, बार 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 बार, काम धेनु सरिया, काम धेनु सरिया, क्या है ये काम धेनु सरिया, अरे हाँ हाँ वही तो काम धेनु सरिया। समझ में आ रहा है आपको? तो वो ऐसे अलग अलग टोन्स में यूज करते हैं ताकि वो नाम ना आपके दिमाग में बैठ जाए, दैट इज वेयर इसको रिकॉल वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? सबको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ तक? तो ब्रांड कैसे बनेगा अब पता है आप लोगों को? ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट डज नॉट हैपन इन अ डे और टू, बट देयर इज अ कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूअस एफर्ट इन वन डायरेक्शन। You have to generate and create and maintain your recall value all the time. जब तक आपकी recall value नहीं है तब तक आपका brand like dead होने के chances हमेशा है। तो brand is your recall value. फिर हमने उसके बाद ये समझा कि आपकी branding और marketing की stages क्या है। तो आपकी branding और marketing की 5 stages है। ठीक है, कौन कौन सी stage है? Awareness stage है, लोगों को पता नहीं है आपके बारे में। Consideration stage है, consider कर रहे हैं, चलो चल के देखते हैं, बात करते हैं, समझते हैं प्रोडक्ट के बारे में। एक्शन स्टेज है, खरीदते हैं। लॉयल्टी स्टेज है, दोबारा खरीदते हैं। एडवोकेसी स्टेज है, मैं फैन हूं और रेफरल वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको चाहिए आपके कस्टमर से।
फिर आपने चार चीजें सीखी कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है। चार स्टेप्स में स्ट्रैटेजी बनेगी, सेगमेंटेशन, टारगेट ऑडियंस के बारे में समझना है, पोजिशनिंग करनी है मुझे, मुझे बताना है कि मैं डिफरेंट कैसे, मुझे कुछ डिफरेंट करना है कस्टमर के, फिर मुझे मार्केटिंग कैंपेन्स डिजाइन करने हैं, सेवन स्टेप फॉर्मूला, हाईली टारगेटेड कॉपीज, और ट्रस्ट को जनरेट करते हुए चलना है। ठीक है, जब आप कस्टमर के बारे में सोचते हो, कस्टमर के लिए सोचते हो, तो ट्रस्ट जनरेट होता है मार्केट में। दिस इज ऑल्सो वी हैव लर्न्ड नाउ। अब हमने एक सेवन स्टेप फॉर्मूला भी सीखा, ब्रेन हैक भी देखा, ब्रांडेड कैंपेन किस तरीके से काम करते हैं ये भी देखा हमने, आपको क्या प्रमोट करना है ये भी हमने सीख लिया, आपको प्रमोट क्या क्या करना है, आपको प्रमोट करना है, ठीक है, आपको प्रमोट करना है प्रोडक्ट को नहीं, आपको प्रोडक्ट के वाई को प्रमोट करना है। ठीक है, दूसरा, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, कस्टमर इमोशंस को खरीदता है, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? सबको क्लैरिटी मिल गई है कि नहीं? यस नो, मे बी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। ठीक है, नेहा, इशू, गोविंद, सबको क्लियर है? ओके, एनी डाउट्स, एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू आस्क? ऑल क्लियर? तो ये आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करते हो आपका वो कैरेक्टर बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं अब अगर आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस होगी, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है स्टार्टिंग। तो आप मेक श्योर ये करना, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे चल रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए चलना है, असाइनमेंट्स पे काम करते चलना है, बीच बीच में आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे प्रोजेक्ट पे आपको काम करते हुए चलना है, प्रैक्टिकल ही होगा। आज का प्रैक्टिकल क्या है? तीन ब्रांड्स का एड बनाने, सेवन स्टेप फॉर्मूला से सबको। ठीक है, और कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज आपको पूछना है, और टाइमली मतलब अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है। ये मत करना क्योंकि आपकी वीकेंड वाली क्लास है ना, तो होता है कि आप वीकडेज में कुछ और कर रहे होते हो, मैं भी अपना काम देख रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, व्हाटएवर, तो मेक श्योर करना कि आप ये मतलब प्रैक्टिस जरूर करते रहना, आधा घंटा सही है, 45 मिनट सही, बट टेक आउट टाइम। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट्स विद ब्रांडिंग और इज इट अ मिड टॉपिक? नहीं, ऐसा देखो, ये आज की ना इसको आप फाउंडेशनल क्लास बोल सकते हो, ऐसा कोई स्टार्टिंग और एंड नहीं होता है, बट ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग में ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करने इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे से समझोगे तो स्टार्टिंग तो कहीं से भी पॉसिबल है करने को, तो कोई कोई कुछ भी कर दे, लेकिन ये ग्राउंड फाउंडेशन बननी बननी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांडिंग हो गई, फिर छोटे छोटे टॉपिक्स पहले आएंगे, कैनवा हो गया, जैसे आपको, अब जैसे ये एड बना लिया, अभी तो आपने पेपर पे लिखा, अब मुझे उसको रियल फॉर्म देना, बिकॉज आई हैव टू पोस्ट इट, तो मैं उसको बनाऊंगा कैसे, फिर कैनवा आ जाएगा आपका, कैनवा में भी फिर गूगल माई 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 बिजनेस होगा, GMB के मुझे अपने आपको लाइक प्लेस करना है, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट आसान वाला, तो मैप्स पे कैसे अपने आपको लिस्ट करते हैं इस तरीके से, फिर आपकी वर्डप्रेस होगी, फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक्स होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर यू। ठीक है सलीका, ओके ओके। इशू, वांटेड टू नो अबाउट द पिक्चर ऑन एड, डू वी नीड टू मेक एड अलोंग विद द पिक्चर? इशू, इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग दिस, इफ यू हैव डन इट ऑलरेडी, इफ यू नो द स्किल सेट, देन प्लीज डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप कर लो, अगर नहीं आता है तो फिलहाल के लिए उस क्लास तक का लाइक वेट कर लेना, जब उस क्लास में इसी को आप रियल फॉर्म दे लो। सर, विल यू बी टीचिंग द होल कोर्स? नहीं, सारे टॉपिक्स तो मैं नहीं लेता हूँ, बट आई विल बी हैविंग माई ओन क्लास एज वेल। सारे टीचर्स होते हैं हर एक मतलब बैच में, बट डोंट वरी, आई हैव माई ओन टॉपिक्स, और जो आपको सिखा रहे हैं वो अच्छा ही सिखाएंगे, सारे के सारे ट्रेनर मेरे अंडर में ही सिखाते हैं, आई एम द वन हु आर ट्रेनिंग द ट्रेनर्स एज वेल। ठीक है, आई विल बी कमिंग इन, बीच बीच में मैं आता रहूंगा, मैं लूंगा आपके टॉपिक, जैसे नहीं कि मैं नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच आदेश फॉर द अप्रिसिएशन। चलिए गाइस, तो ठीक है आज के लिए फिर इतना ही। अच्छा, तो एक छोटी सी कुछ चीजें और बता देता हूँ मैं, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, तो कुछ डूज एंड डोंट समझ लीजिए। देखो, आपका ना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, अब आपको कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी इन कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली जो डाउट आएगा, तो ट्रेनर जो भी है, मैं हूँ, कोई भी है, जिससे पूछ रहे उसको टैग टैग जरूर करना है, क्योंकि इतने मल्टीपल बैचेस हैं, हमारे लिए तो मल्टीपल है, आपके लिए तो एक ही है, हमारे लिए मल्टीपल है, अब उसमें कुछ ना कुछ बातें चलती ही रहती हैं, तो हमें नहीं पता कि वो हमसे बात कर रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, टाइम नहीं होता है। जैसे मैं अब आपके साथ बैठा हूं तो मैं अभी ग्रुप्स को चेक नहीं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप टैग करते हो तो हमें एक मेंशन आ जाता है वहां पे, ऐसे करके एट द रेट करके, तो हमें पता है कि अब नाउ समबडी वांट्स टू लाइक आस्क समथिंग, तो ऐसे टैग करना है टीचर को अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो, या काउंसलर को भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसका टैट है, टैट है 24 घंटे का। अब ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लाइव हो रही है, अभी जैसे क्लास एंड होगी तो ये प्रोसेस होगी, पहले प्रोसेस होने में कभी कभी टेक्निकली ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, बहुत कम होता है हालांकि, लेकिन 24 घंटे का टैट है, 24 घंटे मान के चलो। जैसे आपकी क्लास अभी ये 3:30 से 6:30 वाली, तो मेजरली मान के चलो या तो कोई टीचर अवेलेबल है तो वो रात में भी दे देगा, यूजुअली मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि मैं रात में भी दे दे देता हूँ, लेकिन अब हो सकता है कोई किसी दिन कहीं जा रहा है तो अगले दिन मॉर्निंग में आके आपको शेयर करेंगे, तो ये आपका 24 आवर्स का टैट रहेगा आपकी रिकॉर्डिंग का।
कोई भी आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर आप ग्रुप में कुछ पूछ रहे हो, कुछ आप किसी को कुछ अपना कंसर्न बता रहे हो, तो भी 24 आवर्स का चैट है, ठीक है। 24 आवर्स का वेट करना है आपको, मतलब अगर 24 आवर्स में अगर रिप्लाई नहीं आता, कई बार मिस हो जाता है मैसेज, तो आप दोबारा से टैग कर दो, ठीक है। एक बार दोबारा से टैग कर दोगे तो फिर ऑब्वियसली वो ऊपर आने के मतलब आ ही जाएगा। अब एक छोटी सी चीज और, आपको जैसे जैसे कोर्स आपका आगे आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि आपको इंडिविजुअल सबका एक्सपीरियंस रहता है, दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री, तो किसी को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, किसी को सकता है थोड़ा सा स्लो पेस पे भी समझ में आएगा, सबको समझ में, ऐसा नहीं कि किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है चलते चलते आपको कुछ आपका एक्सपीरियंस, आपको कुछ फीडबैक देना है, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको आपको वो जो आपका फीडबैक है या जो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, कंसर्न है, वो एक तरीके से रखना है। मतलब पहले आप ऑब्वियसली जो भी आपका ट्रेनर है, जिससे भी बात करनी है, जैसे मैं हूँ कोई और है, तो आप पहले ट्रेनर से बात करेंगे, फर्स्ट फॉलो, अगर रिलेटेड टू द कॉन्टेंट है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है किसी ट्रेनर से, तो आपकी काउंसलर्स आपकी मैनेजर्स हैं, योर काउंसलर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर वेल बींग इन द एंटायर कोर्स। तो आप अपने सेकेंड लेवल अपने काउंसलर, फर्स्ट लेवल वो सेम ही है, काउंसलर या टीचर को बता दिया यहाँ हो गया, ठीक है। फिर एक आपका ग्रुप ग्रुप मैनेजर होगा, अगर आपको फिर भी लगता है कुछ ऐसा कंसर्न है जो आपको फिक्स नहीं हो रहा है, तो जो आपको मैनेजर आपके ग्रुप में बता दिया जाएगा कौन है ये, उसका उसका फोन नंबर भी आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप उसको भी बोल सकते हो। तीसरा पॉइंट, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप मेरे तक हमेशा आ सकते हो, यू विल हैव माय नंबर एज वेल, व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, ईमेल भी रहेगी, आप कभी भी मुझको डायरेक्ट बता सकते हो, डायरेक्ट फीडबैक इफ एनीथिंग दैट इज देयर टू लाइक फॉर योर सपोर्ट ओनली। ऐसे उसकी जरूरत ज्यादातर तो नहीं नहीं पड़ेगी, 99% तो नहीं पड़ेगी, लेकिन 1% अगर कभी हो भी जाता है, तो यू हैव दैट दैट दिस दिस पॉइंट दैट यू कैन कम टू मी डायरेक्टली एनी टाइम, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है, छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है आपको, आपके प्लेसमेंट जितने स्टूडेंट्स चाहते हैं, प्लेसमेंट गारंटीड है आप लोगों के लिए, मेक श्योर ये करना है कि प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आप जब असाइनमेंट करोगे, प्रोजेक्ट्स करोगे, प्रोजेक्ट्स आपको एंड में ना आपके सीवी पे लिखने जरूरी होंगे, मैंने पहले भी बताया आपको क्लास में, तो जब आप सीवी पे प्रोजेक्ट लिखोगे तभी आपका सीवी एनहांस सीवी होगा, ठीक है। और फिर जो प्लेसमेंट का प्रोसीजर है वो हम आपको टुवर्ड्स द एंड ही पूरा दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बस डूज एंड डोंट्स है जिनका ध्यान रखना है, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ ही सीखना है। एनी क्वेश्चन, वेन विल गेट आवर LMS पोर्टल, ये अभी मिल जाएगा एक दो दिन में, जो रिकॉर्डिंग का लिंक तो अलग से भी आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, मैं शाम तक शेयर कर दूंगा, रात तक आपके ग्रुप में, वैसे एक दो दिन में मिल जाता है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर आज के लिए क्लास, हाँ कल कल भी होगी, बिल्कुल सैटरडे संडे होगी ना, आपका वीकेंड बैच है तो सेम टाइम पे होगी, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन टुमारो, टिल देन प्लीज टेक केयर एंड प्रैक्टिस and share your like done work in the group only. Thank you so much guys, please take care, bye for now, thank you, good evening sir, good evening.